सर, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जी ये ना, ये हिलम 10 मैंने खोलिया, ये पहली दफा मैंने चेंज किया था। वो जो कंट्री के हिसाब से चेंज करना है, डिलीवर टू, तो वो मुझसे चेंज नहीं हो पा रही है कंट्री। जैसे यहाँ पर यूएस का वो फ्लैग लगा हुआ ना, और मैं जी इधर चेंज कर रही हूँ, तो वो मुझसे हो नहीं पा रहा। पहले हो गया था, अभी नहीं हो पा रहा। पता नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। चले, मैं 1 मिनट, मैं अभी आप फिर से दिखा देता हूँ। मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है सामने, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही थी, मगर वो पता नहीं क्या हुआ, खुल नहीं पा रहा। मैं 1 मिनट, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर amazon.com की मार्केट प्लेस पर पेज, इट मीन्स आप यूएस की मार्केट प्लेस पर, यहाँ पर ये डिलीवर टू आपका आ रहा है न्यूयॉर्क की, ऑटोमेटिकली मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, वो कैसे आ रहा है कि यहाँ से मैंने जो है वो चेंज किया है, और मैं चले यहाँ से जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से पाकिस्तान अभी कर लेता हूँ, ये पाकिस्तान सेलेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इस तरह से आ रहा होगा। आपने सिंपली करना क्या है, दूसरा भी जी कभी कभार एक एक पोस्टल कोड नहीं लगता, तो आप दूसरा पोस्टल कोड लगा लीजिएगा, किसी और सिटी का लगा सकते हैं आप, न्यूयॉर्क का लगा सकते हैं आप, वहाँ पे जो है सर, वो वाशिंगटन का लगा सकते हैं, टेक्सास का लगा सकते हैं, वहाँ किसी भी सिटी का लगा ले जो .com की मार्केट प्लेस का, तो वहाँ से वो जो है ना वो हो जाएगा। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्टल कोड न्यूयॉर्क, ठीक। अब ये देखिए मेरे पास मल्टीपल कोड जो है वो आ गए, इनमें से मैं कोई सा भी एक पिक कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट करें ये वाला पिक करता हूँ, ठीक और यहाँ पर आकर आप ये इधर आकर डालेंगे इस कोड को, और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, डन के ऊपर नहीं करेंगे, आपसे गलती ठीक हो रही होगी, डन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ठीक अप्लाई सर, के ऊपर करेंगे तो ये देखें अभी सिलेक्ट हो जाएगा, वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन टू ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यूएस। अब इस कोड का क्या फायदा है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो यूएस के अंदर अवेलेबल हैं या बिक रही हैं वो सारी आपको दिखाएगा, क्योंकि तो हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है तो हमने पहले वो मार्केट प्लेस एक्जैक्टली चूज करनी होती है, देन हमने जो है ना वो उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया या अपनी प्रोडक्ट शो करवानी होती है दिखानी। ठीक है, क्लियर है जी सबको पॉइंट? जी जी क्लियर हो गया। थैंक यू सर। जी, और सर कोई क्वेश्चन? सर ये एक्सटेंशन में जो सर्च वॉल्यूम है ना एक्सटेंशन में, तो वो वहां पे हम कर रहे हैं ग्राफ देखने के लिए, तो वहां पे बता रहा है कि अपग्रेड हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम इज ओनली अवेलेबल टू सब्सक्राइब्ड Helium 10 मेंबर्स, प्लीज अपग्रेड टू द वन ऑफ आवर प्लान फॉर अनलिमिटेड, जी, वो असल और में ये ये शो है कर कि रहा है। जी जी अभी ये इन्होंने मेरे ख्याल से कल एक न्यू अपडेट की है, बिल्कुल कल के दिन में ही, उससे पहले ये शायद सर्च वॉल्यूम भी दिखा रहे थे एक्सटेंशन के ऊपर, लेकिन अब ये सर्च वॉल्यूम भी नहीं दिखा रहे एक्सटेंशन के ऊपर। और सर टोटल रेवेन्यू को लॉक लगा हुआ है, वो शो नहीं कर रहा है, एवरेज हाँ रेवेन्यू जी एंड टोटल रेवेन्यू। जी ये बिल्कुल इन्होंने ना फ्री में अब ये भी क्लोज कर दिया, ये कल ही हुआ है बिल्कुल ना, कल हम बैठे हुए ये काम कर रहे थे तो वहाँ पर, तो उस टाइम क्या नाम है, कल इन्होंने ये लॉक किया है, उससे पहले ये ओपन था, ये कुछ चीज़ें पहले और इन्होंने लिमिट्स लगाई हुई थी, लेकिन ये वाली चीज़ें जो थी ना एक्सटेंशन के ऊपर ओपन थी, लेकिन अब वो ओपन नहीं है, वो फ्री वाले में जो है ना वो ओपन है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों के लॉग इन इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएंगे, तो आप लोग जो है वो अनलिमिटेड वाले पे जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये चले, सर मैं लास्ट टाइम Helium 10 करवाना सिखाया था जो लास्ट जी टाइम। सर जी अच्छा चले, फिर सर मैं वहां से कंटिन्यू करता हूँ, देन मैं कीपा पे शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, सर, ये मैंने जो थोड़ा सा आपने होमवर्क दिया था ना, तो वो 50 कीवर्ड्स जो लेने थे, और फिर रेवेन्यू और रिव्यूज, तो वो मैंने कर लिया था। ठीक जी, वेरी नाइस मिस, वेरी नाइस। ठीक है, वो मैं भी है आपको, मैं हाँ वो ठीक हो गया, आपने रिव्यूज और रेवेन्यूज ले लिया, वेरी गुड है। मैं भी आपको बताऊंगा उसका अगला यूज क्या है, अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, अभी उसके बाद देखते हैं उसका नेक्स्ट यूज क्या होगा। ठीक जी 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 और किसी का क्वेश्चन? सर, ये Helium 10 में हम गए तो वहां पे ये डैशबोर्ड आप बता रहे थे ना, उस डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा था, हम उसमें गए मैग्नेट में तो वहां पे कीवर्ड जो है ना सर्च नहीं हो रहा था, वो ऑप्शन नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था वहां पे जो कोई सर्च करें मैग्नेट में। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर देखें आपके पास वो जो है ना मैग्नेट में इसलिए नहीं आ रहा होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं जी, वो ये वो आपके ऊपर ना, ऊपर टॉप पे सर्चेज आ रही होंगी दो, ठीक है,
दो लेफ्ट होगी क्योंकि आप फ्री वाला यूज कर रहे थे, तो इस वजह से। पर करें यहाँ पर मैं कोई भी लिख देता हूँ, लेकिन ये भी मैंने पढ़ाना है, ये भी अभी ना इस साइड पे ना जाए। अभी तक मैंने ना क्योंकि ये अभी बताई नहीं ये चीजें, मैंने सिर्फ अभी एक्सटेंशन बताई है, ये आगे की बात है बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे करवा लेने दें, देन मैं इसको करवाऊंगा, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट भी आने से परेशान हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो हो रहा है ना टूल्स के फर्स्ट में, तो हमारे पीसी में वो शो नहीं हो रहा है डैशबोर्ड। नहीं, ये देखें टूल्स में आएगा, यहाँ पर सीएसपी वाले में भी आता है ये, ऐसी नहीं, बात। ऊपर जो है ना टूल्स के साथ जो डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो डैशबोर्ड है, जी, हाँ ये शो नहीं हो रहा वहां पे। शायद वो देखना पड़ेगा, फ्री वाला है ना वो, शायद इस वजह से। अदरवाइज रिफ्रेश करें तो आ जाएगा, ये टूल्स तो सारे आपको तो हो रहे होंगे, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी सर, अच्छा जी, चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे कोई कीवर्ड बता दें, मिस आपने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए उनमें से कुछ कीवर्ड्स मुझे बताएं। क्या सबके सबको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, किसी का इशू है, ताकि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्लियर आ रही है ना, ठीक है फिर इसका मतलब अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही है आवाज़, तो वो उनके एंड पे थोड़ा सा मसला है। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। अच्छा चलें, मैं अभी कोई कोई कीवर्ड जो मिस आपने जो 50 कीवर्ड्स निकाले हैं वो मुझे यहाँ पे या टाइप कर दीजिए मैसेज के अंदर, मैं एक एक करके ना उसको देखता जाता हूँ कीवर्ड को। वुडन टेबल एक कीवर्ड आया है, वुडन टेबल, ठीक है एक ही कीवर्ड है। आप में से कौन कौन एग्री है कि ये वाला ये वाली जो प्रोडक्ट है हम कर सकते हैं वुडन टेबल को, और जो कहता है कि नहीं कर सकते वो किस वजह से नहीं कर सकते इसको। अच्छा क्यों नहीं कर सकते, एक रीजन है इसका वेट ज्यादा है, चलें ये भी एक रीजन हो सकती है। ठीक है, तो एक बड़ी रीजन ये भी है कि ये जो है इसका वेट ज्यादा है, तो इस प्रोडक्ट में हम मोस्टली नहीं जाते। ठीक है, जिसका वेट ज्यादा उसकी रीजन मैं आगे जाके बताऊंगा आपको क्या रीजन होती है। अमेजोन आपसे एफबीए की फीसिस किस तरह से चार्ज कर रहा होता है और किन बेसिस के ऊपर आपसे चार्ज करता है, वो आगे जाके मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन चलें अभी हम इसको जो है ना कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स सी हमने इसको करना है, अभी इसको हम एक कॉमन प्रोडक्ट ही कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने एक्सरे इसके ऊपर रन कर दिया। अब वुडन टेबल के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो है, ये मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन समझा दी थी ना क्या होती है, एक्सटेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वाली आई थिंक समझा दी थी मैंने एक्सटेंशन आप लोगों को। सर दोबारा समझा दें अच्छा चलें मैं सर, दोबारा, एक दफा फिर से समझा दें। जी, मैं समझा देता हूँ। अच्छा कोई और कीवर्ड बता दें, कोई और कीवर्ड दे दे जो अच्छा सा कीवर्ड हो। सर रोलिंग पिन एक कीवर्ड है, चलो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा ये देखें, ये रोलिंग पिन एक कीवर्ड मेरे पास आया है, ये या प्रोडक्ट का नेम है। कीवर्ड क्या होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप किसी प्रोडक्ट के नेम को डिस्क्राइब कर रहा है वो कीवर्ड कहलाता है। तो एक्चुअली जब भी, एक बात अभी नोट डाउन कर ले, जब भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है प्राइवेट लेबल के ऊपर, तो हमने किसी एक कीवर्ड के ऊपर लैंड करना होता है और उसका हमने जो है ना क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है।
फर्ज करें कोई कहीं से भी हम वो कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट टेक्निक से थ्रू कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, और अल्टीमेटली हमने उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया लगाना होता है और वहाँ से उसको चेक करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। अगर पूरी उतर रही होगी तो वो हमारा फाइनल एक विनिंग प्रोडक्ट हो, अगर नहीं उतर रही होगी तो वो हमारी प्रोडक्ट फाइनल नहीं होगी। वो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो काइंडली अपने आपको म्यूट के साथ साथ रखें। अब ये एक रोलिंग पिन है, इसको इसके ऊपर मैं अपना एक एक्सटेंशन चला लेता हूँ, ये अच्छा एक चीज देख लें, जैसे ही मैंने ये रोलिंग पिन लिखा है तो यहाँ पर आपको ये 1000 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 मींस के इतने सेलर्स या इतनी लिस्टिंग्स हुई हुई है इस प्रोडक्ट की, 1000 लिस्टिंग्स जो है इस प्रोडक्ट की यहाँ पर मौजूद है, मींस इतने सेलर्स बेच रहे हैं इसको, तो ये 1000 है। ये भी आपके क्राइटेरिया पर इफेक्ट डालता है, इसको कहा जाता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ये जो 1000 है इसको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है कि आपकी कितने उस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये 1000 वो वाला है। अब मैं रोलिंग पिन लिखा और उसके ऊपर मैं अपनी अगर एक्सटेंशन लगाऊंगा तो ये जो मुझे इस पेज के ऊपर जो रिजल्ट होगा, मतलब ये जितनी 48 प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं और मैं अपनी स्पॉन्सर्स को मिला के शायद ये 60 तक पहुँच जाए, वो टोटल मिलाकर जो है ये प्रोडक्ट्स हमें मुझे दिखा रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो पहला आपका कॉलम है ये सीरियल नंबर है कि 1 से लेके 60 तक है, तो उसके पहले पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स थी वो आपको दिखा रहा है। अच्छा, आप इस एक्सटेंशन को जिस पेज के ऊपर भी चला दें ये वहाँ का ही रिजल्ट दिखाएगा, ये नहीं होगा। फर्ज करें मैं यहाँ से ये नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दूसरा पेज भी होगा, ठीक है, और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये देखिए कितने ज़्यादा पेजेस हैं, मतलब ये 1000 प्रोडक्ट्स कहाँ तक जा रही हैं। अब मैं सेकेंड पेज पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र भी आ जाएगा कि पेज सेकेंड के ऊपर हूँ, यहाँ पर ये देखें ये पेज सेकेंड के ऊपर मौजूद हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से भी मुझे इस टाइम है कि पेज सेकेंड पर, और यहाँ से भी मुझे पता लग गया कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं 49 से 96 प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ और 1000 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, तो 49 से 96 प्रोडक्ट्स तक मैं ये जो है वो चेक कर रहा हूँ। तो अब ये जो चीज़ है और ये कीवर्ड है, उन्होंने कह दिया कि आप इस कीवर्ड को क्या सर्च कर रहे हैं, हमने कहा जी बिल्कुल इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंशन चलाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सटेंशन है ये इस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब सेकेंड पेज के ऊपर, सर जिस करंट पेज के ऊपर भी आप इस प्रोडक्ट को चलाएंगे वो वहाँ का रिजल्ट शो करेगी आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ जो एक कॉमन मिस्टेक होती है अक्सर जो पीएल में होती है वो ये है कि आप प्रोडक्ट तो निकाल लेते हैं या कीवर्ड तो कोई ना कोई फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आप अक्सर ऐसे चला देते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया और एक्सटेंशन यहाँ पर चला देते हैं अक्सर लोग, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो जब आप एक्सटेंशन इधर रन करेंगे तो इसका मतलब वो रिजल्ट सिर्फ इस सिंगल प्रोडक्ट का आपको दिखाएगा, वो पूरी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो हमेशा हमने जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है तो ये देखें अब वो सिंगल सिर्फ प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट दिखा रहा है, ये वाला रिजल्ट आपको सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये अभी ये पीस है, ये कितना क्या कुछ कर रहा है और कितना ये एक सिंगल जो है वो क्या कुछ कमा रहा है, कितनी सेल्स लेके जा रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से होगा। तो अभी हम आ जाते हैं कि हमने अपना जिस भी पेज के ऊपर अपना ये एक्सटेंशन चलाएंगे उसी के ऊपर हमें ये रिजल्ट शो करवाएगा। अब ये देखें 49 से 96 के ऊपर ये मैं सेकंड पेज के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ तो ये अभी सेकंड पेज के स्टैट्स दिखा रहा है और सेकंड पेज के ऊपर जो लोग हैं वो लिस्ट हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि उसका वो एग्जैक्टली उसी तरतीब से ये रिजल्ट्स उठा लेगा। ये देखें उसी तरतीब से इसने रिजल्ट्स उठा लिए, जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं स्पॉन्सर्ड को उठा लेगा और जो दूसरे हैं वो दूसरे उठा लेंगे। और यहाँ पर देखें इन स्टैट्स में भी तब्दीली आ गई होगी, जो पहले पेज पर स्टैट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, जो सेकंड पेज के ऊपर स्टैट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमने पहले पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना होता है, क्योंकि 80% सेल्स जो है वो पहले पेज के ऊपर होती है, जो 80% सेल्स हैं हम उसके पीछे जाते हैं और वहाँ से जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने ये एक कीवर्ड लिखा, मैं इसको दोबारा से पहले पेज पर ले आता हूँ, ये रोलिंग पिन हमने लिखा है
और यहाँ पर मुझे 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मुझे ये, मैं अपनी एक्सटेंशन रन कर रहा हूँ जिसको एक्सरे कहते हैं, यहाँ से मैं अपने एक्सरे को रन करता हूँ। अब ये देखिए, उसने मुझे पहले रिजल्ट्स दिखा दिए उसी तरतीब से, ये नंबरिंग वाइज है। यहाँ से आप अपनी को प्रोडक्ट को ऑल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक करके कुछ सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिलीट का बटन है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिस तरतीब से या जिस तरह से अरेंजमेंट के साथ ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है उसी तरह से इसने पिक किया है। यहाँ पर देखें, इस टाइटल के साथ ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, ये प्रोडक्ट इस टाइटल के साथ लिस्ट हुई है, ये यहाँ पर लिस्ट हुई। ये SP लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि स्पॉन्सर्ड है ये प्रोडक्ट, और स्पॉन्सर्ड है तो इट मीन्स कि ये अमेजोन को पैसे देकर पहले पेज पे रैंक हुए हैं, उसको हम कहते हैं PPC। वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो किस तरह से होता है, जो एडवर्टाइजमेंट की होती है या एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर आकर लिस्ट करते हैं, चेक करवाते हैं। तो ये देखें, SP का मतलब ये है कि स्पॉन्सर्ड है ये प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये जो है ये टाइटल है यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ, ये SN है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने कहा था जैसे आप लोगों का एक CNIC नंबर होता है जो पाकिस्तान आपको अलॉट करता है, तो वो जो है वो आपका एक यूनिक आईडी होगी, यूनिक नंबर होगा, वो किसी और का साइन नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो SN होता है ये भी इस प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, ये किसी और प्रोडक्ट को साइन नहीं हो सकती, ये इसी मार्केट प्लेस के लिए इसी जगह के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट को ये साइन होगी और किसी प्रोडक्ट को ये साइन नहीं हो सकती। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बहुत सी चीज़ों पे। ये जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली मुझे इसी प्रोडक्ट को ये ओपन करके दिखा देगा। ये जो SN होता है ये टॉप के ऊपर भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पर भी लिखा हुआ होता है, और अगर मैं डाउन साइड पर आ जाऊँ तो ये जो है यही स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, जो इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये सेम हो गए, यहाँ वाला भी और ये वाला भी जो है वो सेम हो गए, ठीक है, ये और ये दोनों जो हैं वो सेम हो गए, आप दोनों जगह से जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ब्रांड है, किस किस ब्रांड के साथ ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई, ये वाला जो है ये क्वीन लैक के साथ है, ये जो ब्रांड बैठा हुआ है ये फाइबरवेयर के नाम से है, ये वाले जो है ब्रांड का कॉलम है, ये प्राइस क्या है, हर प्रोडक्ट में हमने प्राइस क्या क्या लगाई हुई है, ये वाला 17 में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है, 15.99 का बेच रहा है, 12.99 का बेच रहा है, तो ये प्राइस की रेंज है। ये सेल्स है, ये सेल्स क्या है कि ये लास्ट 30 डेज जो सेल्स है वो आपको एक एस्टिमेटेड सेल्स बता। एक चीज़ याद रखिएगा, जंगल स्काउट और हीलियम 10 में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, जंगल स्काउट के कुछ थोड़े बहुत स्टैट्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था ये आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देते, सारे रिजल्ट्स जो है वो नियर 200% होता है, मतलब तकरीबन 80% एक्यूरेसी होती है, 75 टू 80% एक्यूरेसी होती है किसी भी। तो डिफरेंट जब आप टूल्स रन कर रहे होंगे तो थोड़े थोड़े बहुत स्टैट्स चेंज हो सकते हैं, फर्ज करें ये 728 बता रहा है तो वो शायद आपको 720 बता सकता है, 700 बता सकता है इसकी सेल, क्योंकि वो जो है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपना डाटा कलेक्ट कर रहा होता है और ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपना डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, इस बेसिस पे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है 19-20 का, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर 700 बता रहा है तो वो बता रहा है जी के 2 सेल्स कर रहा है या 100 सेल्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो सकता है टूल्स के रनिंग में। तो ये सेल्स है, ये सेल्स का ग्राफ है, अब इसकी क्या सेल्स की ग्राफ रही है, यहाँ पर अगर मैं सेल्स के ग्राफ को करूँ तो ये देखें 30 डेज का मुझे ट्रेंड दिखा रहा है, अगर नीचे आ जाए तो ये सेल्स वाली लाइन है, ये ट्रेंड वाली लाइन है, और ये 7 डेज मूविंग एवरेज है। अगर ये 30 डेज की लाइन के ऊपर मैं देखूँ, 90 डेज में देखूँ, ये देखें अब सेल्स जो है वो इस हिसाब से जा रही है, और ये 90 डेज में अब ये नीचे टाइम लिखा हुआ है और ये सेल्स का ग्राफ है कि कितनी सेल्स हो रही है, 10, 20, 30, 40, ये टोटल सेल्स का ग्राफ नज़र आ रहा है, और ये जो है वो टाइमिंग्स है। मैंने जब 90 डेज का ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये देखें, ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ये 4/4/22 को ये हुई थी, 18 को ये, 2 तारीख को, तो यहाँ पर ये सेल्स का,
और इसका मूविंग ट्रेंड वो दिखा रहा है डाउन साइड पे अब जा रहा है, पहले 30 से ऑन एन एवरेज था, अब तकरीबन इसका जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। और अगर 1 ईयर पे मैं जाऊँ तो 1 ईयर पे भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही है। जो ये सेल्स वाला ग्राफ है वो देख रहे हैं कि एक दफ़ा इसकी सेल्स जो है वो 100 को भी टच हुई है, और इस तरह से इसकी सेल्स होती रही। ये सेल्स का ग्राफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये 7 डेज मूविंग एवरेज मीन्स कि जो इसका एवरेज है, जो 7 दिन के ऊपर आपकी सेल्स होती है उसको जो प्लस करके डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो वो इसकी एवरेज यहाँ पर नजर आ रहा है, वो 7 डेज मूविंग एवरेज होती है। तो ये इस तरह से इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि इसकी इसी सेलर की क्या हिस्ट्री रही है, अब तक इसने किस तरह से सेल किया है या कितनी प्रोडक्ट्स को सेल किया, और कौन से मंथ में इसकी सेल ज्यादा रही है, कौन सी ईयर में इसकी सेल ज्यादा रही है, वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें ये BSR है, BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देखें यहाँ पर ये आपके बेस्ट सेलर होते हैं, हर कैटेगरी का जो है वो बेस्ट सेलर होता है, जिसको BSR कहा जाता है। वो ये होता है कि आप जो है वो कौन सी प्रोडक्ट कितना अच्छा बिक रही है। फर्ज करें मैं किचन एंड डाइनिंग की किसी कैटेगरी में चला जाता हूँ, मैं ये फर्ज करें होम एंड किचन में देखता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी बिक रही है। ये देखिए होम एंड किचन में ये वाला जो बंदा है या ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है, ये देख रहे हैं ये वाली प्रोडक्ट जो है। और अगर इसकी सेल्स मुझे देखनी हो तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर BSR के अकॉर्डिंगली देखनी है तो आप जो है वो यहाँ पर, अगर फर्ज करता हूँ मैं इसको Helium 10 के थ्रू ही देखना चाह रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी मैं Helium 10 की एक्सटेंशन चला के देखता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर इस इंडिविजुअल की सेल्स भी बता देगा कि कितनी सेल्स हैं, और सब BSR भी बता देगा। जी स्पॉन्सर्ड को हम अपने क्राइटेरिया में नहीं शामिल करते, जब हमने स्टार्ट में अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना था उसमें हम स्पॉन्सर्ड को इंक्लूड करते। ओहो, इसकी वेरिएशन ही बहुत ज्यादा है, इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा वेरिएशन, और ये देख रहे हैं ये इनको कहा जाता है वेरिएशन, तो टोटल वेरिएशन को वो पिक कर रहा था कि कौन सी वेरिएशन कितनी प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करती है। यहाँ पर देखें ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये 1, 2, 3 ये डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट साइजेस हैं, इनको वेरिएशन कहा जाता है। टोटल जब उसने इस प्रोडक्ट को उठाया तो इसकी वेरिएशन ही तकरीबन 264 तक बन रही है, तो अभी हम इसको 264 वाले को छोड़ देते हैं, हम ये सेकंड या थर्ड वाले का देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सेकंड वो तरीका मैंने जो बताया था आपको, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, आप जो है वो ये वाले इस पे आ जाएं, सिंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर के ऊपर ये देखें, यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट से क्या आपका BSR है, फर्ज करें आप देखना चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है जो 1 BSR है और किस कैटेगरी के अंदर है, यूएस की मार्केट प्लेस है और कौन सी कैटेगरी है, आप कहते हैं होम एंड किचन में आप देखना चाह रहे हैं कि होम एंड किचन में जो पहले नंबर पे बेच रहा है वो कितनी सेल्स लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर देखें जैसे इसका एस्टिमेट सेल किया है, उसने कहा जी कि जो BSR फर्स्ट पे जो रैंक हुआ हुआ है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट पहले पे रैंक हुई है होम एंड किचन के अंदर ही और US के अंदर ही, ये मंथली कितनी सेल्स लेके जा रहा है, ये 1,10,000 यूनिट्स की बात हो रही है, ये डॉलर्स में बात नहीं हो रही, ये 1,10,000 इसके यूनिट्स बिक रहे हैं इस प्रोडक्ट के जो नंबर 1 पे रैंक हुआ हुआ है। तो ये जो रैंकिंग होती है ये आवरली बेसिस के ऊपर जो है वो रिफ्रेश होती रहती है, मीन्स अमेजोन का एल्गोरिथम इसको इसकी रैंकिंग को इनकी सेल्स को हर आवरली बेसिस के ऊपर 1 या 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद दोबारा रिफ्रेश कर देता है और अपडेट कर देता है। तो और ये ओवरऑल जो हमें सेल्स दिखा रहा होता है वो मंथली बेसिस पे सेल्स होती है कि इसकी ओवरऑल पिछले मंथ में कितनी सेल्स रही। तो यहाँ पर देखें ये जो है वो आपको ये 1 लाख, अगर यही मैं कहता हूँ कि अगर ये टू वर्ड 1,000 अगर इसका हो
इसका क्या मतलब होगा कि इसकी सेल्स कम हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ये बात है। ये देखें अभी इसकी टोटल 10,000, जो बंदा 1,000 सेल्स रैंक रखता होगा उसकी जो सेल्स होगी वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10,000 सेल्स तक वो यूनिट। अगर मैं यही कहूँ कि एक जो है वो 50,000 तक अगर कुछ सेल्स जनरेट कर रहा है, सेल्स रैंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अगर मैं रैंकिंग यहाँ चेक करना चाहूँ तो वो टोटल जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है वो तकरीबन मंथली बेसिस 540। इसका मतलब हमें क्या हो समझ आया कि जो बेस्ट सेलर रैंक होता है वो टूवर्ड वन होगा तो उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, और जितना वन से दूर होता जाएगा उसकी सेल्स उतनी कम होती जाएंगी। और ये कैटेगरी वाइज भी ये करेगा। फर्ज करें होम एंड किचन में मैंने ये 50,000 सेल्स का 50,000 BSR का देखा, और अगर इसी तरह से मैं देखना चाहूँ कि ऑफिस प्रोडक्ट में 50,000 BSR का क्या मतलब है, या मैं कहता हूँ कि कोई और कैटेगरी में देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की मैं देख लेता हूँ। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में इसका क्या मतलब है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर यूएस की, अब यहाँ पे सेल्स डिफरेंट हो जाएगी, वहाँ पे BSR जो है वो डिफरेंट बिहेव करेगा। अब ये सॉरी मुझे वो दोबारा से लॉग इन मांग रहे फ्री वाले, तो यहाँ पे ये बल्कि आप लोग चेक कर लें साथ ही अभी कि अगर मैं ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के ऊपर 50,000 का BSR हो तो उसके ऊपर सेल्स कितनी आ रही है, ये एक चेक करके ना आप लोग मुझे मैसेज करें। सर ये कर रहे हैं तो मैं ये इंटर ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ, कह रहा है तो इसमें ईमेल एड्रेस आपने पहले चेक किया है इस पे? ये एक मरतबा किया है, दूसरी दोबारा से आप इसके ऊपर अच्छा इसमें प्राइवेट लेबल कह रहा है होलसेल किसमें इसमें चूज करें जी इसमें हाउ डू यू सेल ऑन अमेज़न इफ मोर देन वन सेलेक्ट लार्जेस्ट परसेंटेज, इसमें होलसेल या प्राइवेट लेबल हम यूज करें? ईमेल एड्रेस के बाद ये पूछ रहा है कि आप लोग जो ना होलसेल में बनाएंगे या प्राइवेट लेबल में, तो कौन सा हम सिलेक्ट कर दें? कोई भी सिलेक्ट कर दें, कुछ भी सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट कर दें, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है पॉइंट? ओके फाइन। अच्छा हम वापस आते हैं, ये BSR वाला हो गया, ये सेलिंग कंट्री है कि कहाँ से ये जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है, ये देखिए कनाडा से है, तो ये इन्होंने नया भी बिल्कुल एक कॉलम ऐड किया, इससे पहले कंट्री वाला कॉलम इसमें मौजूद नहीं था। यहाँ पे एंड स्लैश ये लिखा हुआ आता है, शोर बहुत हो रहा है। जी मैं अभी म्यूट भी कर रहा हूँ साथ साथ बहुत से। अच्छा एक लोग आप लोग ना क्वेश्चन करके अपने आप को म्यूट कर लिया करें ताकि एक फ्लो चलता रहे स्मूथ ना। यहाँ पर देखें ये सेलर कंट्री है, ये वाला जो रीजन है ये भी इन्होंने नया ऐड किया बिल्कुल नॉट पे, अब ये और ये नॉट एप्लीकेबल वाला का मतलब ये है कि कभी ये रिजल्ट्स जो है वो जंगल स्काउट आपको एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा होता, या उसने एग्जैक्ट वो ए, ए, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता उन रिजल्ट्स को, तो इस वजह से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। आप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं या दोबारा से एक्सटेंशन दोबारा क्लोज करके चलाएंगे तो ये आपके पास रिजल्ट अक्सर ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाजू का ये होता है कि नेट जो है वो बहुत स्लो चल रहा होता है जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहे थे सही। अच्छा यहाँ पर ये अमेजोन की FBA फीसिस हैं, ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि अमेजोन की FBA फीसिस क्या होती हैं। इसमें तीन किस्म की फीसिस शामिल होती हैं, एक रेफरल फी होती है, एक अमेजोन जो आपसे चार्ज कर रहा है स्टोरेज फी चार्ज करेगा, और एक जो फुलफिलमेंट की फी है वो इसमें, ये तीनों फीसिस जो है वो यहाँ पर शामिल होती हैं, इनको मैं आगे जाके डिस्कस भी करूँगा। अच्छा एक्टिव सेलर्स कितने हैं इसमें, कितने लोग इसको बेच रहे हैं? देखिए 4 लोग बेच रहे हैं, किसी का माइक ऑन है वो अपने आप को म्यूट रखें। अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह के तो वो मुझे मैसेज कर दें वहाँ नीचे, अगर उसके दौरान ना ऑन करें जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि हम एक दफ़ा लेक्चर के फ्लो को मेंटेन रखें, एंड पे मैं आपको क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पर ये एक्टिव सेलर्स हैं, रेटिंग्स यहाँ पर मेंशन हुई है, ये रेटिंग्स वाला है 4.7। यहाँ पर ये रिव्यू काउंट है कि इस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं, फर्ज करें ये वाली जो प्रोडक्ट है ये 4,000 रिव्यूज़ के साथ है, 3,000 के साथ है, ये 17,000 रिव्यूज़ के साथ है, ये रिव्यूज़ का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लेके चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये इमेजेस हैं,
ये कि इस प्रोडक्ट ने कितने इमेजेस यूज किए हुए हैं, वो कहाँ से नजर आएंगे कि ये मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ। इसी तरह से ये रिव्यू वेलोसिटी है कि लास्ट 30 डेज के अंदर रिव्यूज में के क्या ये 4300 है, तो इसमें लास्ट 30 डेज में कितने रिव्यूज में इजाफा हुआ है, कितने बड़े हैं, तो ये 37 रिव्यूज जो हैं वो टोटल इसमें इजाफा हुआ है यहाँ पर, और ये इसके अंदर ऐड हुए हैं। ये बाय बॉक्स है कि इस टाइम किसके पास बाय बॉक्स है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हमने खासकर होलसेल में देखना होता है, उसका हम आगे देखेंगे। किस कैटेगरी के अंदर लिस्ट हुई है, ये साइज क्या है इस प्रोडक्ट का, और यहाँ पर अगर आ जाएं कि ये प्रोडक्ट क्या कर रही है, ये FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं या कौन को, या अमेजोन खुद तो नहीं बेच रहा वो प्रोडक्ट को, ये यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो है इस बंदे ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा कर एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस से पहुँचाई है, इट मीन्स ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो FBA कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसको ये दिखा रहा है कि ये अमेजोन पे, ये इसको अमेजोन खुद मैन्युफैक्चर करके अमेजोन ही बेच रहा है, तो यहाँ पर ये देखें AMG लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट जो है वो FBA कर रहा है, मोस्टली यहाँ पर MFN भी लिखा हुआ आता है या FBM भी लिखा हुआ आता है, ये देखें ये एक MFN लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर, अगर आप मैं ये रखूँ इसका मतलब होता है कि ये फुलफिल्ड बाय सेलर या मर्चेंट, ठीक है, MFN का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये देखें अक्सर आपको ये जो नज़र आ जाएगा FBM, इसका मतलब ये क्या है कि ये FBM कर रहा है ये वाला पता, ठीक है, मोस्टली जो है यहाँ पर FBA कर रहे हैं या दो तीन प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ अमेजोन बैठा हुआ है, वो जो अमेजोन खुद भी मैन्युफैक्चर करवा कर इस इन प्रोडक्ट्स में बेचता है। अमेजोन देखता है कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है या चल रही है, तो वो खुद वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाता है और खुद भी बेचना शुरू कर देता है साथ इसको, तो वो उसको कहा जाता है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में है। तो हमारा ये वाला भी एक क्राइटेरिया के अंदर डिफाइंड होता है कि हमने जब हम ये अपना क्राइटेरिया देखना होता है उसमें हम चेक करते हैं कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ जो बेच रहा है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन बैठा बेच रहा होगा तो हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखें ये इस प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की यहाँ पर डायमेंशन है, ये वेट है, ये वेट मोस्टली पाउंड्स के अंदर होता है, ये केजीज में नहीं होगा, यहाँ पर ये जो है ये प्रोडक्ट का वेट जो है आपको पाउंड्स में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्रिएशन है किस दिन, ये लास्ट टाइम प्रोडक्ट जो लिस्ट हुई थी ये वाला जो है 2018 के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, इसी तरह से ये 2020 के अंदर ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, ऐसे ही 2019 के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, ये देखें एक प्रोडक्ट हमें 2011 की 2006 की भी एक प्रोडक्ट मिल रही है जो कि लिस्ट हुई है, और ये अमेजोन ही इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, यहाँ पर देखें ये 2011 से इस प्रोडक्ट को बेच रहा है और इसी तरह से ये जो है इसको 2006 से बेच रहा है, तो ये चेक करें ये प्रोडक्ट कब की लिस्ट हुई है और इसका अमेजोन बेच रहा है, तब से बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ये दिखा रही, यहाँ पर टॉप पर ये टोटल रेवेन्यू होता है कि इस पेज के ऊपर ये इन तमाम सेलर्स का क्या टोटल रेवेन्यू है इस कीवर्ड के ऊपर, ये देखें $361,000 जो है वो तकरीबन सारे सेलर्स कमा रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू है, और एवरेज रेवेन्यू ऑलमोस्ट कितना है कि हर सेलर जो है वो एवरेज कितना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, उसमें ये है कि आपका टोटल रेवेन्यू जो कि आपका हर सेलर कमा रहा है डिवाइडेड बाय, ये जो टोटल टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आपका जो है एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग ज़्यादा भी कमा रहे होंगे कुछ कम कमा रहे होंगे, तो एवरेज जो स्कोर वो दिखा रहा है वो आपका 70, जिस तरह क्लास के अंदर होते हैं आप कहते हैं कि एक तो टॉपर है जिसने 90+% लिए या मार्क्स लिए, एक जो किसी ने 50% भी लिए होंगे, किसी ने 60%, किसी ने 80% भी, तो हम कहते हैं कि एक एवरेज स्कोर जो है वो क्लास का वो 75% है या 70% है, इट मीन्स के वो टोटल परसेंटेज या टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो वो उस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर भी ये एवरेज रेवेन्यू निकल रहा होता है कि टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय 60, इसी तरह से ये एवरेज प्राइस है, ये यहाँ पर कितनी प्राइस है डिवाइडेड बाय 60, एवरेज BSR, हर BSR तकरीबन यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसका BSR तकरीबन एवरेज जो है वो 55,000 चल रहा है, तो इसका मतलब इसकी सेल्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 हर बंदा तकरीबन जनरेट कर सकता है, अगर इसके अंदर आप जो है वो एक आइडिया लगाने के लिए, अदरवाइज तो आपको BSR से वहाँ से अंदाज़ा होगा जो एग्जैक्ट आप सेल्स एस्टिमेटर से या डायरेक्ट वहाँ से बता रहे हो तो उनसे आपको अंदाज़ा होता है, ठीक है।
तो ये जो है वो आपको एवरेज बीएसआर यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये एवरेज रिव्यूज हैं, रिव्यूज डिवाइडेड बाय 60, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ें भी मैं आगे आगे जाकर बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये होता है कि आप अगर देखना चाह रहे हैं, ये पहला वाला नंबर है, 8 out of top 10 प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू, ये आप खुद ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कि ऐसे लोग जो कि 5,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं टॉप 10 के अंदर, वो जो है वो कितने लोग हैं यहाँ पर, ये देखें मुझे यहाँ पर इसी ने ये शो करवा दिया। और ये स्पॉन्सर्ड को ये एक्सक्लूड करके, मतलब ये इंक्लूड नहीं करेगा, इसको निकाल के वो दिखाएगा कि इसमें कितने लोग जो हैं वो कमा रहे हैं। फर्ज करें 8 लोग जो हैं वो टॉप 10 में से 8 लोग 5,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कैसे ये होगा। अच्छा, इसको यहाँ से मैंने अगर ये स्पॉन्सर्ड वाले हटाने हो तो ये मेरे पास एक फिल्टर आता है यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा इस फिल्टर को और अप्लाई फिल्टर कर दूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे पास स्पॉन्सर्ड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे ये स्पॉन्सर्ड रिमूव होंगे तो यहाँ पर जो है वो मेरा एग्जैक्टली जब क्राइटेरिया होता है वो भी इसी के ऊपर लैंड कर रहा होता है कि हमने स्पॉन्सर्ड को रिमूव करके देन अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है, जो मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना कि वो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखें मैं स्पॉन्सर्ड को यहाँ से हाइड भी कर दी है। ये देख रहे हैं अब ये 8 out of 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू 5,000 मोर देन 5,000। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो है मैं रेवेन्यू वाले कॉलम पे आता हूँ, ये देखें ये बंदा 5,000 से ज़्यादा कमा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक नहीं कमा रहा, 6, 7, और ये 5,000 से ज़्यादा कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा, और ये टोटल 8, मतलब 14 से हमने स्टार्ट किया था, 5 से स्टार्ट किया था और 14 तक लेकर आए हैं, तो हमें पता लग गया टोटल 8 जो सेलर्स हैं वो रेवेन्यू पे जनरेट कर रहे हैं 10 से। और यहाँ पर रिव्यूज़ अगर देखें तो ऐसे रिव्यूज़ हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 2 of the top 10 हैविंग अंडर रिव्यूज़ 400, तो वो मुझे बता रहा है कि टॉप 10 में 2 लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो हमारे 200 से या 400 से कम हैं। 400 वाला देख लें यहाँ पे, यहाँ पर देखें कि ये एक मिल गया मुझे 400 से लेस रिव्यूज़ वाला, और ये दूसरा मिल गया, तो 2 बंदे ऐसे मुझे मिले हैं जो 400 से लेस रिव्यूज़ कमा रहे हैं टॉप 10 में, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कहाँ तक हमने देखना है, 14 तक देखना है। तो यहाँ पर देखें ये 2 रिव्यूज जो है वो यहाँ पर नजर। अच्छा, ये अब बहुत से सवाल हो गए, ये क्या चीज़ है, ये क्यों ये दिखा रहे हैं, और इसका क्या ये कुछ चेंज भी हो सकता है, तो इसका बिल्कुल, ये जो है ये हमारा अपना कस्टमाइज क्राइटेरिया होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जाऊँ मैं, जब एक्सरे पे जाऊँगा और यहाँ पर ये सेटिंग का बटन आपको टॉप पर नज़र आ रहा है, जैसे सेटिंग्स नज़र आएंगी तो ये देखें, ये एक मल्टी फैक्टर सक्सेस स्कोर होता है, एक 2 फैक्टर सक्सेस स्कोर होता है, हम दोनों फैक्टर्स को देख सकते हैं। अक्सर का ये सिलेक्ट हुआ होगा मल्टी फैक्टर सक्सेस स्कोर, उससे ये होता है कि अमेजोन खुद वो जो है ना लिस्टिंग को एनालाइज करने पे एक स्कोर एग्जीक्यूट करता है या वो देता है, और वो बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। एक 2 फैक्टर स्कोर है कि हम खुद डिफाइन कर लेते हैं कि इसका रेवेन्यू और रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर। मैं अगर देखें यहाँ पर रेवेन्यू अपना 5,000 रखा हुआ था, मैं अगर कंसिडर कर लेता हूँ ये रिव्यूज़ जो हैं वो 7,000 होने चाहिए, और फर्ज करता हूँ मैं ये कहता हूँ ये जो रिव्यूज़ हैं वो 200 वाला दिखाएं, इसका मतलब क्या होगा, वो टॉप 10 में मुझे 7,000 जिनके रेवेन्यू होगा वो दिखाएंगे, और जिनके रिव्यूज़ 200 से लेस होंगे वो दिखाएंगे। मैं जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर ये देखें ऑप्शन सेव्ड ग्रीन मुझे नज़र आ गया। अब जैसे ये सेव हो गया तो इसका मतलब मैं अब बैक जा सकता हूँ, अब ये देखें सारे जो हैं वो उनके ऊपर एग्जीक्यूट हो गया, और ये देखें सारे जो ब्राउज़र हैं वो दोबारा से उसके अकॉर्डिंगली मूव कर गए हैं। अब देखिए रिफ्रेश हो गया पूरा पेज। अब मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये मुझे 7,000 रिव्यूज और उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर दिखाएगा। अब देखें यहाँ पे स्कोर जो है वो चेंज हो गया एग्जैक्टली, अब 7 और 0 रह गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसने कहा 7 of the top 10 products have a revenue over
7,000, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मैंने मैंने 200 रिव्यूज का रखा हुआ था, तो उसने कहा जी 200 रिव्यूज से जो लेस वाली कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, ठीक है, कि जो के टॉप 10 के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ से हम जो है वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप 10 के अंदर रेवन्यू और रिव्यूज कितने हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें आगे जब हम अपना क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके अंदर बड़ा बेनिफिट देगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसका जो है वो कस्टमाइज और कर लेते हैं। हम कहते हैं 7,000 रिव्यूज होने चाहिए, और मैं कह देता हूँ या 400 रिव्यूज से ज्यादा की वो ना हो। यहाँ पे मैं 400 रिव्यूज बता के सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव किया तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश हो रहा है, और नीचे ऑप्शन भी आपके पास ग्रीन आ गया, ऑप्शन सेव। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अब अगले स्टेप पे जाने लगा हूँ, और बड़ा जबरदस्त स्टेप होगा वो वाला, बड़ा मजे का स्टेप होगा। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किस साइड पे आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। हेलो सर, जी, सर मैंने ये पूछना था, आपने कहा है कि वो जब आपने एक्सटेंशन रन की थी तो स्टार्ट पे आपने कहा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो सर हमें वो क्यों जरूरत पेश आती है डिलीट करने की? हाँ वो क्यों पेश आती है वो मैं एक मिनट बताता हूँ। जी यहाँ पर देखिए मैंने एक्सटेंशन रन की है, तो यहाँ पर जो ये स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं वो हम अपने क्राइटेरिया के अंदर नहीं डालते, क्योंकि स्पॉन्सर्ड ऑटोमेटिकली अमेजोन को पे करके यहाँ पर आए हुए होते हैं। इस वजह से हम स्पॉन्सर्ड को यहाँ से मैनुअली भी डिलीट करके देन हम टॉप 10 के अंदर देख रहे होते हैं। वो आगे मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसके थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। सेकंड ये है कि हम सिलेक्ट करके इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर ये देखें, ये लिस्टिंग एनालाइजर है या रन सेरिब्रो है, तो इन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भी हम लेके जा सकते हैं। ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा कि मतलब आपने इनके कंपेटिटर्स के कीवर्ड निकालने हैं या वो जो है वो कंपटीशन इनका चेक करना है कुछ इस तरह का, तो वो यहाँ से भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके वहाँ पर लेके जा सकते हैं, या इनकी लिस्टिंग का एनालाइज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मोस्टली जो हम डिलीट करते हैं वो इन स्पॉन्सर्ड को डिलीट करते हैं, जी या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई है जो कि इररेलीवेंट प्रोडक्ट, फर्ज करें ये रोलिंग पिन है, यहाँ पर कटिंग बोर्ड आ गया है या किचन नाइफ आ गया है, तो वो हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं किसी तरह से कीवर्ड के ऊपर पता नहीं कैसे रैंक हो गया है या रैंक हुआ वो आ रहा है, तो वो या उसको जो है वो क्या नाम है जो टूल है वो दिखा रहा है, तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट होगी, या कोई ऐसी हो जाता है कि कोई वेरिएशन एक प्रोडक्ट है उसकी कोई वेरिएशन सेम है या कोई डुप्लीकेट होता है, ये फर्ज करें ये वाली रोलिंग पिन है और नीचे भी यही रोलिंग पिन आपको नजर आ रही, जिस तरह से ये एग्जैक्टली यही रोलिंग पिन यहाँ पर नजर आ रही, लेकिन स्पॉन्सर्ड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जैक्टली यही सेम नीचे डुप्लीकेट नजर आ रहा होगा, उसको हम एक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं ना कि दो प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम इनको डिलीट करते हैं। ठीक अच्छा सर, ये यस आपका ओके सर, सेल्स है, सेल्स ग्राफ और रेवेन्यू आपका वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं। जी फ्री वाले में लॉक हूँ, फ्री वाले में नहीं नजर आ जी। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ लें ताकि मैं आगे जरा बढ़ूं। सर, ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, ये जो आपने दिया हुआ है ऑप्शन, कहाँ पे? हाँ ये जो कॉर्नर पे 7 और 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये हाँ हाँ समझा हाँ दे। हाँ जी, ये देखिए ये मैंने अपना एक कस्टमाइज क्राइटेरिया लगाया, मैंने कहा कि ऐसे सेलर्स मुझे दिखा दो जो टॉप 10 में से 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो देखिए उसने मुझे दिखा दिया, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है 7 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 7,000। तो ये देखिए मुझे टॉप 10 में स्पॉन्सर्ड को छोड़ के, अब स्पॉन्सर्ड एक ये है कि मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ,
और एक वही जो मैंने हाइड वाला ऑप्शन आपको दिखाया कि वहां से हाइड कर, मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी, देखिए वो रिमूव हो गया। अब मेरे मुझे ये दिखा रहा है टॉप 10 में से कितने लोगों का 7000 से रेवेन्यू ज्यादा है। अब ये देखिए ये भी 7000 से ज्यादा है, ये भी 7000 से ज्यादा है, ये दो तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, ये एक बंदा जो है वो 7000 से कम है, पांच टोटल, ये छह हो गए, ये सात हो गए, और सात लोग तो जो है वो ज्यादा है, और ये देखें ये एक और दो, ये 7000 से कम है। तो उसने मुझे 14 तक दिखा दिए कि टॉप 10 में जो है 14 तक 7 लोग ऐसे हैं जो 7000 से ज्यादा जिनका रेप, ठीक है। इसी तरह रिव्यूज क्या है कि रिव्यूज में मुझे बता रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जिनका 400 से रिव्यूज कम है। अब ये अंडर होगा, कम होगा, ठीक है, तो कम है जिनके रिव्यूज, वो यहाँ जिनका रेवन्यू ज्यादा है वो यहाँ पर। क्लियर है ये पॉइंट ना सबको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अच्छा और किसी का क्वेश्चन? एक मिनट मैसेज, अच्छा वो वो जब आप ये वाला ब्राउजर जब यूज करती हैं तो वॉलमार्ट पे ले जाता है आपको? आपने ये देखें amazon.com यूज करना है और यहाँ पर ये वाली इसको यूज करें आप, उसके बाद जो है ना यहाँ से एक्सरे को रन करें तो इसी के ऊपर एग्जैक्ट लेके जाएगा, वॉलमार्ट पे नहीं लेके जाएगा। आप कहीं वॉलमार्ट के ऊपर कहीं सिर्फ क्लिक कर रही हैं, इस वजह से वो amazon.com यूज करेंगे देन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉलमार्ट पे नहीं लेके जाएगा। कीपा में होता है, एक कीपा के सॉफ्टवेयर में कि वो वॉलमार्ट या ईबे के, अमेजोन या ईबे दोनों के ऊपर वो रन हो रहा होता है तो वो ईबे पे भी आपको वही सेम प्रोडक्ट दिखा देता है अगर वो वहाँ पे लिस्ट हुई हो तो वहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर जो है वॉलमार्ट पे नहीं शिफ्ट करेगा। आपने यहाँ सिंपली यहाँ से एक्सरे रन करना है तो वो इसी के ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देगा। हेलो जी मिस, जी सर मुझे ये पूछना था कि ये 7 और ये कॉर्नर पे जो आपने अभी समझा उसकी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही, रेवेन्यू और रिव्यू को समझ नहीं आ रही। जी जी ये अभी आगे आता है, जब मैं क्राइटेरिया डिस्क्लोज करूंगा ना फिर आपको समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब। ओके सर, जी जी यहाँ तक सारों को क्लियर है? मैंने टूल्स के बारे में पूछना था, ये फ्री हैं या इनको बाय करना पड़ेगा? नहीं ये पेड हैं और ये फर्स्ट मंथ आपको यहाँ से कंपनी के थ्रू मिलेंगे आपके। हाँ क्योंकि मैं मोबाइल वर्जन यूज कर रहा हूँ तो वो नहीं चलेगा? नहीं नहीं वो नहीं, लैपटॉप के ऊपर आपने इसको यूज करना है क्योंकि मैं एंटर हो चुका हूँ और सब चीजें उसमें मैग्नेट वगैरह सब कुछ है, लेकिन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वाइट कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ए, ए, नहीं मोबाइल वर्जन में आप मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हैं ना? जी जी नहीं मोबाइल में नहीं, मोबाइल के थ्रू ये टूल्स नहीं रन करेंगे, ठीक है, ये नहीं रन होंगे। आपने इनको जो है ना, मैंने बल्कि कभी मोबाइल पे यूज़ नहीं किया, आप अगर पैसे ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन बेसिकली होगा क्या कि ये यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे। आपने करना क्या है कि जो है ना वो लैपटॉप या पीसी जो है आपके पास जो भी होगा उसके ऊपर इसको रन करना होगा, वहां पे चलेंगे। अच्छा लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ एक ऑप्शन जहाँ लिखा हुआ है एंटर अ प्रोडक्ट ASIN तो वो मैं एंटर कर सकता हूँ यहाँ तो वो एनालाइज भी करेगा मोबाइल वर्जन के ऊपर जो मेरे पास है? नहीं जो आप इसके अमेज़न की पेज की बात कर रहे हैं? नहीं मैं हीलियम 10 पर हूँ। चलिए वो चेक कर लें, लेकिन वो शायद वर्क कर लें, अगर मोबाइल वर्जन अगर इनका वर्क कर रहा है तो चेक कर लें अगर कर सकते हैं इसके ऊपर तो ट्राई कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि बार बार मोबाइल के ऊपर जिस तरह से एनालाइज करना है, पता नहीं उनकी एक्सटेंशन कैसे रन होगी क्योंकि इसमें बहुत सा काम हम एक्सटेंशन से ले रहे होते हैं तो एक्सटेंशन इनमें मुश्किल होगी कि कोई रन हो सके इस तरह से मोबाइल के ऊपर। शायद वेब वाला जो है वो ऑन हो जाए लेकिन एक्सटेंशन से नहीं रन होगी। सर एक्सटेंशन फ्री होती है? एक्सटेंशन से आपकी क्या मीनिंग है क्योंकि यहाँ Amazon एट्रीब्यूशन भी है, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट ये सारे हैं, सेरिब्रो, इसको मैं एक्सटेंशन कह रहा हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं सेरिब्रो वगैरह और फ्रैंकनस्टाइन है जो? नहीं नहीं मैं एक मिनट रुकता हूँ।
ये एक्सटेंशन है, एक सेकंड मैं इसको देखूं, इसको एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, ये जो डिफरेंट यहाँ पर ऐड हुई है इनको, हाँ इससे हमने एनालाइज करना है अपनी प्रोडक्ट को। अभी मैं आगे क्राइटेरिया डिस्क्लोज करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा किससे क्या मुराद है। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल में लैपटॉप पर फिर ट्राई करता हूँ। ठीक है सर, जी 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 लैपटॉप पर शुरू करता हूँ। ओके थैंक यू। लेक्चर बेशक आप मोबाइल से अगर इजीली ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज इसको लैपटॉप पर। अच्छा, आपका अमेजोन अकाउंट अभी तक तो नहीं बनवाया मैंने, किसी का भी नहीं बनवाया हुआ, वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अपना अमेजोन का अकाउंट बनवाना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कंपनी मेकिंग भी सिखानी है कि आप लोगों ने अपनी कंपनी किस तरह से बनानी है यूके के अंदर, और ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर करना हो तो वो किस तरह से ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जाता है, वो भी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और उसके अलावा आप लोगों का अपना अमेजोन का अकाउंट होगा वो बनाऊंगा। लेकिन मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी, आपको यहाँ पर बिजनेस करने के लिए या अपनी स्किल्स बेचने के लिए अपने अकाउंट की जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट तब जरूरत होगा जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब आप लोगों को जरूरत होगी उसकी। अदरवाइज आप लोगों ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो सिर्फ आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, उसकी बेसिस के ऊपर आपका चाइल्ड अकाउंट बनता है। वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस भी मैं आपको सिखाता हूँ कि वो किस तरह से अपने चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करके अपने पास रखना होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वो सेंट्रल अकाउंट से लिंक कर रही होती है वो बात। ठीक है सर, मेरा एक जी 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 मैं पूछूं या कोई और पूछ रहे तो वो पूछ ले पहले। जी आप पूछ ले, कोई मसला नहीं। जी सर मैं ये बोल रही थी आगे जाने से पहले ना, ये रिलेटेड कीवर्ड्स जो आप अभी बता रहे थे जिसको हम चेंज कर रहे थे, वो 7 और 2 का वो एक दफा आप बता देंगे एक और जो हम अपने वो मैं आगे आगे जैसे मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी उसका क्या मतलब। ठीक है, वो आगे आ जाएगी समझ जी। और किसी का क्वेश्चन? जी ये कंपनी से रिलेटेड था, जो यूके में नहीं है फॉर एग्जांपल यूरोप में है, उन्होंने जहाँ वो है उधर ही खोलनी है ना कंपनी, डजंट हैव टू बी यूके। अगर आपका यूके का अकाउंट है तो आप फिर यूके बेस्ड अपनी कंपनी ओपन करेंगे और वहाँ पर उसकी बेस के ऊपर जो है वो अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे, और वो सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो पूरे उन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वैलिड होगा, हर कंट्री के अंदर वो वैलिड होगा यूरोपियन, जैसे उसके अंदर जो 8-9 कंट्रीज आ रही थी उन सारी कंट्रीज को एक ही अकाउंट जो है वो कवर कर रहा होगा। तो आप इवन दो के सॉरी इवन दो के यूके यूरोप में नहीं है फिर भी ये अमेज़न के ऊपर चलेगा इस तरह? नहीं देखें, मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कोई मिस्टेक ना हो। जी जी देखें, यूके अमेज़न के जो वेयर हाउस से हमने लास्ट टाइम बात की थी यहां पर, जी जी मेरे नजदीक फॉर एग्जांपल स्वीडन है, उसके उनके पास वेयर हाउस है ये मुझे पता है, और मेरा ऑलरेडी कस्टमर अकाउंट भी है स्वीडन का। जी जी मैं अमेज़न का मैं यहां पे आपको यहाँ पर देखें, ये जो कंट्रीज हैं इसमें अगर स्वीडन शामिल है तो इसका मतलब अगर आपका यहाँ का अकाउंट है स्वीडन का भी तो आप इन तमाम कंट्रीज के अंदर एलिजिबल होंगे, अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और इनके वेयर हाउसेस को यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वीडन है ये amazon.se, ये स्वीडन है फॉर एग्जांपल ये हाँ ये स्वीडन, हाँ जी जी इट मींस कि आप यूज कर सकते हैं ये .co.uk का ही अकाउंट यूज करते हुए आप यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ से वेयर हाउस पे अपनी प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं।
मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि जो यहाँ तो उन्होंने यूरोप लिखा हुआ है, लेकिन यूके यूरोप से आउट है इस वक्त ना, तो अगर वहां से प्रोडक्ट लेनी हो, अगर मैंने बाय करनी है, मैंने बाय की हुई है, तो उन पर टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे। अगर अगर आप यूके की मार्केट प्लेस से मंगवा रहे होंगे तो वो जाहिर सी बात है यूके से आएगा। अगर आप डॉट को डॉट आप पर स्वीडन में बैठे हुए हैं और आप डॉट को डॉट यूके से यूके की मार्केट प्लेस को यूज करते हुए मंगवा रहे हैं, वो जाहिर सी बात सारे इम्पोर्ट टैक्स और वो सारी चीज़ें पड़ेंगी, देन वो स्वीडन में पहुंचे। आप ये कर सकते हैं कि आप स्वीडन के जो सेलर्स हैं वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ से, वो वहाँ पे देखें कि वही सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो स्वीडन से ही आपको वहाँ पहुँच जाएगी प्रोडक्ट। ओके फर्ज ठीक है, करें मैं ये देखिए डॉट इंटरनल। डॉट कॉम की मार्केट प्लेस है, मैं यहाँ पर था और यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा था, यहाँ ये डॉट कॉम मार्केट प्लेस है, यूएस की मार्केट प्लेस है, ये डिलीवर टू, जी इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से आएगी, ये यूएस से प्रोडक्ट आएगी और यू पाकिस्तान में यूएस डिलीवर आएगी होगा। बिल्कुल, ठीक है वो सर, मुझे समझ में आ गई थी बात, वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगी, तो इसलिए हमें डॉट कॉम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डॉट कॉम में ही खरीदनी और बेचनी चाहिए। जी जी बिल्कुल मेरा ऐसा। सिर्फ तो लेकिन चूंकि यूके आउट है, सो यूरोप शुड बी विदाउट यूके, या मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये टेक्निकलिटी है जो थोड़ी सी ना। नहीं नहीं देखिए देखिए, ये जो इन्होंने यूरोप को कंसीडर किया ना, उनके अंदर ये अमेजोन ने एक सेक्टर बना दिया है या एक ये ठीक है रीजन डिफाइन कर दिया है, ये सारी कंट्रीज जो है वो यूरोप के अंदर आ रही हैं, ये सारी ठीक कंट्रीज मिडल ईस्ट के अंदर, ये एशिया के अंदर है, ये अमेरिका के अंदर है। अब उन्होंने कहा क्या है कि अगर आप में से किसी का अकाउंट किसी भी क्रेडेंशियल डॉट को डॉट यूके पे बना हुआ है, जर्मनी पे बना हुआ है, फ्रांस में बना हुआ है, इटली में बना हुआ है, कहीं पर भी जी कोई जी अकाउंट बना हुआ है, तो वो सारी इन कंट्रीज के अंदर एलिजिबल होंगे बेचने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने इस कंट्री से, वो एक ही अकाउंट से, वो कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट मैं अभी डॉट डॉट को का डॉट कॉम का अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, तो उसमें क्या मतलब है इसका। ये देखें, ये एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ये रियल टाइम सेलर सेंट्रल अकाउंट है जो जो कि डॉट कॉम की मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पर देखें, ये मुझे ना इसमें जो मैंने ये बात कही कि वो मुझे कितनी कंट्रीज दिखाएगा, ये तीन कंट्रीज के अंदर मुझे एलिजिबल कर रहा है कि वो बेच रहा हूँ, मैं हाँ इसमें जी ठीक ब्राज़ील को नहीं शामिल कर रहा, डॉट कॉम डॉट कैनेडा और डॉट मैक्सिको के अंदर। मैं अगर अपने अकाउंट में जाऊँ, यहाँ पर देखें वो मुझे तीन मार्केट प्लेसेस दिखा रहा है कि आप इन कंट्रीज के अंदर बेच सकते हैं, अमेरिका के अंदर, अमेजोन कैनेडा के अंदर, यहाँ पर इन्हीं की प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। मतलब आप कनाडा में बेचना चाह रहे हैं तो कनाडा की मार्केट प्लेस में जाकर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ के वेयर हाउस पे भिजवा भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मुझे इस समझ तरह आ गई है जो आप जो बता रहे हैं कि वेब वेब सॉरी मार्केट प्लेसेस जो है ना, वो उन्होंने खुद ही डिफाइन की हुई है अमेजोन ने, सो अंदर जाकर पता लग जाएगा, हम यूरोप में भी ऐसे ही होगा जो यूरोपियन साइड है। जी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक 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 है। हाँ अच्छा, अब अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये जो आप बता रहे थे एक्सरे, अब मैं अच्छा, इसको पीसी थोड़ा सा खोला मैं हुआ है मैंने। और मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर देता हूँ, जी रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ। वो आगे हम बात कर जी, रहे थे, टूल्स की बात कर रहे थे हम, वो एक्सरे वगैरह, वो अब मैं क्योंकि आ गया हूँ अंदर पीसी पर, तो वो कैसे किया था आपने, मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की। जी, वो वैसे लास्ट हमने वो रिकॉर्डिंग पे भी होगा यहाँ पर, ये टूल्स वगैरह आपने Helium 10 के ऊपर पहले लास्ट मैंने लेक्चर में है ना वो बनवाया था, अकाउंट क्रिएट करवाया था Helium 10 हाँ का ना, जी वो आप जाकर वो वहाँ कर से दिया जाए, हुआ हाँ मैंने। वो क्रिएट कर लिया है ना, देन आप सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, ये इसके ऊपर गए और यहाँ से आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पर लिखे इस जगह पे, ये रोलिंग पिन, और इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन जो है ये ऐड कर लें, वहाँ से क्रोम से एक्सटेंशन ऐड करेंगे और इसके ऊपर एक्सरे रन करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन Helium 10 का पहले डैशबोर्ड जो है वो लॉग इन होना चाहिए यहाँ मौजूद। ठीक है ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है, सही है, थैंक चलो यू वेरी मच। जी।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें हम उसके बाद जो। अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ अजान हो ले, अजान के बाद में करते हैं। सर ये एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं? जी ये एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ पर आप चले जाएं गूगल पे, लास्ट मैंने बताया भी था आपको बिल्कुल स्टार्ट में, अमेज़न क्रोम एक्सटेंशन में आ जाएं। सॉरी अमेज़न कह रहा हूँ, विलियम टेन क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा, यहाँ से ये ऐड कर दीजिए तो और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही हो यहाँ से आप पिन कर लीजिएगा इसको, ये देखिए हम पिन करूँगा वहाँ से रिमूव हो जाएगी, मैं पिन करूँगा तो ये टॉप पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इसको जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें वो ट्रैक कर लीजिए। अच्छा चलें अभी हम अपने क्राइटेरिया पर आते हैं, अब हम रियल टाइम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग से क्या मुराद है और हम किन किन चीज़ों को देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, और इससे हम क्या कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल रहे होते हैं। तो अभी हम आते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हम चलें, हमने अगर एक्सटेंशन आपको दिखा दिए हैं तो अभी स्टार्ट में ये है कि मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल ही करवा देता हूँ, उसके बाद जो है वो कीप और होलसेल की तरफ चला जाऊँगा। तो मैं भी अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है, हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि वो प्रोडक्ट जो आप अपना लेबल लगाकर अपना ब्रांड मैन्युफैक्चर करके उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर बेच रहे होंगे वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी प्राइवेट लेबल करें। फ़र्ज करें आप जो है वो प्रोडक्ट कहीं से मैन्युफैक्चर करवा लें, पाकिस्तान से, चाइना से, वहाँ की किसी कंट्री से आप मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक्स वाई जी कोई सा भी लेबल लगा कर आप उसको बेचते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट कहलाएगी वो जो चीज़ होगी वो प्राइवेट लेबल कहलाएगी। जो आपका अपना रियल टाइम ब्रांड होगा जिसको आपने अपने ब्रांड रजिस्टर किया होगा तो वो प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल जब भी किया जाता है उससे पहले कुछ चीज़ों को लाजमी देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स क्या है। जब भी आपने फर्ज करें आपने रियल टाइम कोई प्रोडक्ट बेचनी है, फिजिकल कोई प्रोडक्ट बेचनी है, उसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि आपने मार्केट प्लेस का पहले जाके जिस मार्केट में आपने बेचनी है उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट की कोई डिमांड है, क्या ये कोई कंपटीशन है, ये सेल्स वाइज कैसी है, ये कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब ये दो तीन महीने तो नहीं चलेगी सिर्फ प्रोडक्ट, या ये प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीद देता हूँ तो ये एवरग्रीन प्रोडक्ट रहेगी। इस पर करें आप जो है वो कपड़ों का कोई काम कर रहे हैं या फर्ज करें जैकेट्स वगैरह का, तो जैकेट्स एक सीजनल प्रोडक्ट है तो जैकेट्स क्या होगी कि वो सिर्फ सर्दियों में चल सकती है, गर्मियों में नहीं होगी, इसका मतलब उसका सिर्फ सीज़न 4-5 महीने का है, उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो आप आपने देखना होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो सीजनल भी ना हो। तो फिज़िकल भी आप इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं। फर्ज करें एक मार्केट है, मार्केट एक मोबाइलों की शॉप है, वहाँ पर अगर 100 मोबाइल की शॉप्स बनी हुई हैं तो इसका मतलब आप भी अगर बेच रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पर ऑलरेडी डिमांड तो है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। मीन्स आप ये नहीं कर सकते कि उस प्राइस उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दें और उसके बाद आपसे लोग आकर बाय करना शुरू हो जाएंगे। आपको जाहिर सी बात है जो मार्केट का कंपेटिटिव प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, अदरवाइज अगर नहीं बेचेंगे तो प्रोडक्ट आपकी नहीं बिकेगी और आपके पास
जो कस्टमर है वो नहीं आएगा। इसी तरह से एग्जैक्टली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड कंपटीशन क्या है। एक बार बार मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिमांड एंड कंपटीशन, और इन दो चीज़ों को मैं एक चीज़ के साथ लिंक कर देता हूँ कि डिमांड जो होती है वो आपका रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो कंपटीशन है वो आपका रिव्यूज जो होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें जब भी हमने प्राइवेट लेबल में जाना है तो उसमें जब हम कंपटीशन की बात कर रहे होंगे तो वो रिव्यूज की बात हो रही होगी, जब डिमांड की बात कर रहे होंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू से मुराद सेल्स भी होगा। सिर्फ यही दो फैक्टर्स नहीं सिर्फ डिमांड और कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बाकी भी चीज़ें जो है वो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। फर्ज करें उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके रेवेन्यू क्या है, उसकी सेल्स क्या है, उसकी उसका ग्राफ क्या कह रहा है, वो सारी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और अगर हम कंपटीशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं, जो हमारा कंपेटिटर है या जो हमारे मध्य मुकाबले वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है उसका वो क्या कुछ बेच रहा है या उसकी क्या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है या वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके जा रहा है या वो किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक हुआ हुआ है, उसके रिव्यूज क्या हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे कंपटीशन के अंदर डिफाइंड होंगी। तो अभी ये देख ले कि जब भी हमने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना होता है तो हमने हमेशा देखना होता है कि उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो, वो प्रोडक्ट उसमें सप्लायर बहुत ईजीली मिल जाए और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो, और सेकेंड ये है कि वो उसका जो डिमांड एंड कंपटीशन है वो उसके ऊपर वो पूरा उतर रही हो। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट चाहे आप फिजिकली बेच रहे हैं चाहे आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हैं वो एक ही फार्मूला पे चल रही होगी, वो डिमांड एंड कंपटीशन के ऊपर होगा। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, हमेशा कहीं पर हम डिमांड देख रहे होते हैं कहीं कंपटीशन देख रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है क्या कंपटीशन है। जहाँ पर डिमांड और कंपटीशन आपस में टकराएंगे वहाँ पर हम प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। फर्ज करें अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी है कंपटीशन भी हाई है तो उस प्रोडक्ट को हम नहीं चूज़ करेंगे। हमने हमेशा प्रोडक्ट वो चूज़ करनी होती है जिसका कंपटीशन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। जहाँ पर डिमांड कम होगी और कंपटीशन ज़्यादा होगी या कंपटीशन भी कम हुआ वो भी प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखें हमने डिमांड एंड कंपटीशन पे चलनी है और वो डिमांड एंड कंपटीशन जो है वो सेल्स की बेस के ऊपर भी होता है, रेवेन्यू की बेस के ऊपर होता है और आपकी प्रॉफिट मार्जिन की बेस के ऊपर होता है। तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और अपने प्राइवेट लेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ भी है जैसे कि यहाँ पर हंटिंग इज टू फाइंड अ प्रोडक्ट लाइक अ प्रोडक्ट, ये सोप स्टैंड एंड प्रोडक्ट रिसर्च इज टू वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट फाइंड कीवर्ड्स कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको हमने कोई भी कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है, फर्ज कर लेते हैं जैसे आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड, ये रोलिंग पेन है तो ये हमने कीवर्ड है, तो इसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से ये डिमांड एंड कंपटीशन के फार्मूले के ऊपर पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही, वो डिमांड एंड कंपटीशन का क्या फार्मूला होगा अभी उसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। अगर कंपटीशन कम हो डिमांड ज्यादा हो तो बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि कंपटीशन कम होना चाहिए और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। जी सर पीछे से एक दफा रिपीट करते हैं, ये प्राइवेट लेबल की तरफ से तो हमारी लाइट चली गई थी जब आपने वो स्टार्ट किया था, तो ये मोबाइल पे आप कनेक्ट किया दोबारा, तो काइंडली एक दफा वो रिवाइज कर दें। जी मैं चलें फिर बता देता हूँ कि डिमांड एंड कंपटीशन जो है वो बेसिकली हम दो चीजों के ऊपर काम करेंगे, डिमांड एंड कंपटीशन के ऊपर। और डिमांड आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो आपका जो रेवेन्यू है सेल्स है ये सर्च वॉल्यूम है वो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से जो जो कंपटीशन है वो आपके रिव्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमेशा हमने जब भी किसी मार्केट में काम करना होता है इन्हीं फार्मूला के ऊपर डिमांड एंड कंपटीशन के ऊपर होता है। और हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें या जिस प्रोडक्ट को भी चूज करें वो उसकी डिमांड ज़्यादा और कंपटीशन कम हो। कि जैसे कि फिजिकली भी हम देखते हैं कि हम मार्केट हम किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च करते हैं जहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा हो, मीन्स कस्टमर ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब वो सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसका, उसको बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। जहाँ पर लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे सेल्स ज़्यादा है रेवेन्यू ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर 10 12 15 और दुकानें बनी हुई हैं इसका मतलब वो कंपटीशन भी कम ज़्यादा है वहाँ पर। तो हमने हमेशा कोशिश करनी होती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर या उस कीवर्ड के अंदर जाएँ जो डिमांड एंड कंपटीशन के ऊपर पूरा उतर रहा हो, और वो एक हमने पूरा क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि वो डिमांड एंड कंपटीशन का क्या क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू और रिव्यूज़ किस तरह से होने चाहिए वो उसके ऊपर अभी हम आगे जाकर बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर देखें कोई कीवर्ड है हम उसको सर्च कर लेते हैं, जैसे ये रोलिंग पिन था
ये कीवर्ड था, इसको जो है वो हम एक कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कंप्लीट से एनालिसिस करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है जो आप लोगों ने फाइंड की है कि रिव्यूज और रेवेन्यूज मैंने कहा था कि फाइंड आउट करके देख लें, एक दफा जाके चेक कर लें, तो क्या ये उसके इस क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है वो आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स हैं, जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, रीग्रो है। इनको जरा देख लें कि जंगल स्काउट और हीलियम 10 जो है वो टॉप टू टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। दोनों में से कोई एक टूल भी हो उसकी मदद से भी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कोई दोनों टूल्स हैं तो उनके थ्रू भी हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि एक को अगर आपको चलाना आ गया तो सेकेंड उसको यूज करना मसला नहीं है। अगर आप हीलियम 10 यूज कर रहे हैं तो जंगल स्काउट को रन करना इशू नहीं है। अगर आपने जंगल स्काउट को रन किया है तो वो जो हीलियम 10 है उसको यूज करना मसला नहीं है हमें। और ये दोनों एक ये दोनों कीवर्ड या दोनों टूल्स जो है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, या इसको कह लें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम दोनों टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट जो है वो फंक्शन इक्वल ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जंगल स्काउट जो है वो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो हीलियम 10 है, लेकिन लाजमी नहीं है कि दोनों इसमें जो इसको प्रायोरिटी दी जा रही है वही है, लेकिन बहुत से केसेस में हम सिर्फ हीलियम 10 के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे हमने कंपटीशन का एनालिसिस करना होता है, कीवर्ड का रिसर्च करना होता है, उसमें जो है वो हम जंगल स्काउट को प्रायोरिटी देते हैं, हीलियम 10 को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। जब हमने रिव्यूज़ और रेवेन्यूज़ देखना होता है तो उस टाइम अगर हमारे पास ये जंगल स्काउट है तो हम रिव्यूज़ और रेवेन्यूज़ जंगल स्काउट के थ्रू देख लेते हैं, अगर नहीं है तो हम फिर वो हीलियम 10 के थ्रू ही देख रहे होते हैं। लेकिन दोनों टूल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 के ज़्यादा फर्क है, इससे ज़्यादा कोई और ज़्यादा फर्क नहीं। वायरल लॉन्च अक्सर जो हमने कंपटीशन डिफाइन करना होता है वो जंगल स्काउट के थ्रू भी देख सकते हैं, हीलियम 10 के थ्रू भी देख सकते हैं कंपटीशन, और वायरल लॉन्च के थ्रू भी जो है वो कंपटीशन, या कोई एस्टिमेटेड रिव्यूज़ देखने होते हैं, कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आगे फ्यूचर में किस तरह से रन होगी, तो वो वायरल लॉन्च के थ्रू जो है वो थोड़ा बहुत देखते हैं। इससे एक दो चीज़ें होती हैं, लेकिन अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कोई भी एक टूल यूज़ करना आ गया तो इसका मतलब उसके बाद ये वाले जो टूल्स हैं इनको रन करना मसला नहीं होगा, बिल्कुल भी ये ईजी होंगे, इसलिए इससे ज़्यादा कोई किसी को चुन। इसी तरह से ई ग्रो एक है, ये मोस्टली ये वाला जो है इन मार्केट प्लेसेस के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं रन करता, जो यूएसए या यूके के मार्केट प्लेस या यूरोपियन मार्केट प्लेसेस में, इन दोनों मार्केट प्लेसेस में जो है या यूके या यूएस या यूरोपियन मार्केट प्लेसेस में हीलियम 10 और जंगल स्काउट बेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे जर्मनी की मार्केट प्लेस हो गई या फिर जो फ्रांस की मार्केट प्लेस होगी, तो इन मार्केट प्लेसेस में जंगल स्काउट हीलियम 10, लेकिन ये जो ई ग्रो है ये यूएई के लिए थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन इसका एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, 40-50% होगी वहाँ पे एक्यूरेसी, सिर्फ आइडिया लिया जा सकता है वहाँ पे, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस के लिए थोड़ा सा ये वर्क कर सकता है, लेकिन मोस्टली वहाँ पर हंटिंग अभी तक स्टिल जो है वो मैनुअल ही होती है, टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो इतनी ओल्ड मार्केट प्लेसेस नहीं है, इसलिए डाटा इन टूल्स के पास इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो जो वहाँ पर काम हो रहा होता है वो इन्हीं के थ्रू ज़्यादातर जो है वो वर्क चल रहा होता है, जो हीलियम 10 और जंगल स्काउट के थ्रू। लेकिन हमने जो काम करना है वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट में यूएस और यूके की मार्केट प्लेस के अंदर ही करना। अच्छा, अब हम अपने क्राइटेरिया की तरफ आते हैं कि हमने क्राइटेरिया क्या देखना है। अब यूएस का पहले क्राइटेरिया मैं देख लूँ, पहले एक था रेवन्यू सॉर्ट आउट के थ्रू हम करते थे, अब हम जो है विदाउट रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। फर्ज करें मुझे और कोई कीवर्ड बताएं या प्रोडक्ट बताएं, प्रोडक्ट का नेम बताएं किसी भी। यूरोप जी, यूरोप में जो है वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट दोनों वर्क करते हैं, अच्छी तरह से वर्क करते हैं। व्हील सर, व्हील्स व्हील्स, ये व्हील व्हील कार व्हील से होते हैं जी जी, यही वाला। हाँ, अच्छा, कार व्हील्स है या खाली व्हील्स है? व्हील्स व्हील्स। अच्छा, यहाँ पर देखें एक व्हील्स है, और कोई प्रोडक्ट बताएं, और बताएं यहाँ पे व्हील्स कैसे मैंने सेलेक्ट किया है। चार्जर, चार्जर एक अच्छा कीवर्ड है। चलें ये देखें, 1,00,000 लोग इसको जो है ना इसके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, चार्जर, चार्जर को भी मैं देख लेता हूँ, चलें लेट्स सी, चार्जर भी हो गया, इसके ऊपर भी तकरीबन 1,00,000 प्रोडक्ट्स हैं। और कोई प्रोडक्ट बताएं,
अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, हम प्रोडक्ट्स में मोस्टली डील नहीं करते होते। चलिए खैर आगे बताएं। थर्मस सर, अच्छा ये एक प्रोडक्ट है जिसको तकरीबन 7,000 लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं यूएस के अंदर, मतलब लिस्टिंग हुई है, सॉरी जो लिस्टिंग हैं वो यहाँ पर जितनी मौजूद है। ये थर्मस हो सकता है, बट स्टिल ये जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली थोड़ी सी ब्रेकेबल है, तो इस प्रोडक्ट को भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और बताएं ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जाना। अच्छा और बताएं लैंप, ठीक है, इसको 50,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो और बताएं कुर्सी पर, और सर पेंसिल किचन से रिलेटेड कोई बताएं, किचन से रिलेटेड कोई बताएं, किचन से स्पोर्ट्स और आउटडोर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बताएं, कोई गार्डन से रिलेटेड बताएं, कोई DIY टूल से रिलेटेड बताएं, कोई इस तरह की चीज हैमक, हैमक क्या स्पेलिंग है, HAMIC हैमक, गार्डन में होती है ज्यादातर। अच्छा हाँ सही है, ये ठीक है, ओके फाइन, एक ये प्रोडक्ट मिली है। अच्छा और बताएं, एक और हम निकाल लेते हैं साथ, इलेक्ट्रोसेप्टिकल बताएं, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड को बताएं, ओवन वॉच ये वाली प्रोडक्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगी, इसको हम नहीं छेड़ रहे पहले, बैट और बताएं कोई प्रोडक्ट, बैट मैट, ठीक है इसको हम कह लेते हैं किचन मैट करके, ठीक है। ये देखिए किचन मैट जो है वो 1,000 लोग जो है इसको बेच रहे हैं, मतलब 1,00,000 लोग बेच रहे हैं बल्कि, और यहाँ पर जो है वो हैमिक को तकरीबन 719 लोग बेच रहे हैं। चलिए हम हैमिक को ले लेते हैं, इस प्रोडक्ट को हमने जैसे ही किया, और यहाँ पर अब इसके ऊपर मैं अपनी एक्सटेंशन को रन कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सरे को रन कर रहा हूँ, अच्छा जी सबसे पहले अभी आपने इसको नहीं फोकस करना, ये वाला जो है ना इस चीज़ को नहीं फोकस करना, अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं जी के, पहला हमने कहा कि रेवेन्यू शॉर्ट आउट वाला नहीं होगा तरीका, ठीक है हमें समझ आ गई कि मतलब जैसे प्रोडक्ट चलिए वैसे, अब रिव्यूज़ में आ जाएं, हमने पहला क्राइटेरिया क्या होगा, 3 सेलर्स हैविंग लेस दैन 400 रिव्यूज इन टॉप 10। अब वो जो रिव्यूज़ हैं वो आपके टॉप 10 के अंदर 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो टॉप 10 में 400 से लेस हों। उसकी वजह क्या थी, मैंने अगेन बताया था जो रिव्यूज़ हैं वो कंपटीशन को डिफाइन कर रहे होंगे, तो जितने रिव्यूज़ कम होंगे हमारे कंपटीटर के उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हम भी उतने रिव्यूज़ लेकर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं और ईजिली बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हैमिक के ऊपर जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिव्यूज़ अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने स्पॉन्सर्स को अपने को रिमूव करना है, यहाँ से फ़िल्टर लगा कर मैं हाइड स्पॉन्सर भी कर सकता हूँ, यहाँ से हाइड स्पॉन्सर या मैनुअली भी डिलीट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को कर देता हूँ, तो देखें जितने स्पॉन्सर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे। अब क्या होगा कि मैंने रिव्यूज़ का कहा था कि 3 सेलर्स इन टॉप 10 हैविंग लेस देन रिव्यूज जो हैं वो 400 से लेस होने चाहिए यूएस के मार्केट प्लेस, यहाँ पर देख लेते हैं रिव्यूज़ क्या हैं, कितने सेलर्स हैं, एक सेलर मुझे मिल गया जिसके रिव्यूज़ जो हैं वो लेस हैं, 2 सेलर्स मिल गए हैं, ये देखें 3 सेलर्स मिल गए हैं, 3 हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर गया, पहली प्रोडक्ट जो है 3 सेलर्स हो गए, और ये 14 तक अगर हम देखें तो ये 4 सेलर्स जो हैं, और यहाँ पर भी हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है कि 4 ऑफ द टॉप 10 सेलर्स हैविंग अंडर 400,
तो मतलब हमें ये भी रिजल्ट सही दे रहा है। और यहाँ पर हमने लेकिन यहाँ इसके ऊपर मुकम्मल नहीं कर देना, एक दफ़ा आपने एक दफ़ा मैनुअली भी ज़रूर चेक कर, ठीक है। तो यहाँ 14 तक देखें तो टॉप 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जो कि 400 से लेस रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ मैंने कहा कि रिव्यूज़ जो हैं वो लेस होने चाहिए, उसकी वजह क्या है कि ये कंपटीशन को डिफाइन कर रहा है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो इनमें से क्यों से, क्योंकि हमने एट द एंड एक प्रोडक्ट उठानी होती है और उसको मैन्युफैक्चर करवाना होता है जिसके रिव्यूज़ कम हो और रेवेन्यू अच्छा हो, तो हम इसलिए इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं, अब रेवेन्यू 5 आउट ऑफ द टॉप 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7000। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 7000 से ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 1-7 से ज़्यादा, 2-3-4, ये 5-6-7-8-9-10 तकरीबन सारे ही लोग जो है 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, 7,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। उसने मुझे यहाँ पर भी दिखा दिया है 10 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू ओवर 7000। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया पर भी ये प्रोडक्ट पूरी हो सकती। पहला क्राइटेरिया क्या था, टॉप 10 में 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो 400 से लेस रिव्यूज हो। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि रेवेन्यू जो है वो 5 कम अज़ कम 10 सेलर्स में से 5 सेलर्स ऐसे हों जो 7000 से ज़्यादा कमा रहे हो। अब ये एवरेज प्राइस आ गई है कि जो टॉप 10 के अंदर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो इस प्राइस की रेंज के अंदर बेच रहे हों, 11.99 से 39.99। इसकी रीज़न क्या है कि अगर इससे ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट होती है वो हमें ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। मतलब क्या लैंडिंग कॉस्ट से मुराद ये कि आपने जो प्रोडक्ट, या इसको आसानी से कह लें कि आप कहें कि जो बजट है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हम जो है इस प्राइस रेंज के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। फर्ज करें एक प्रोडक्ट जो है $15 की बिक रही है, तो वो आपको अगर बैक साइड से $5 या $6 में बिके पड़ेगी तो वो यहाँ पर आपको इनिशियल कॉस्ट जो है उसकी बेयर करनी पड़ेगी, वो एक बजट की रिक्वायरमेंट। अगर वो ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट है तो उसकी जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको डिफरेंट प्रोडक्ट को जो आपने वहाँ से मंगवा के तैयार करवाना है उसके लिए एक इनिशियल बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए हम प्राइस रेंज जो है वो 11.99 से 39.99 में देखें। यहाँ पर अगर देखें इस प्रोडक्ट को तो 89.99, 1 सेलर, 2 सेलर, 3 सेलर, 4, 5, 6, 7 और ये 6 सेलर तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो 39.99 से ज़्यादा का बेच रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पर ये प्रोडक्ट फेल हो जाए, मीन्स ये प्राइस रेंज में नहीं आ रही। तो यहाँ पर सारे सेलर जो हैं वो 11.99 से 39.99 की रेंज के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। एक या दो को हम एक्सेप्शन दे सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा की एक्सेप्शन नहीं होगी, सिर्फ एक को एक्सेप्शन दे लेंगे या हाथों की दो को एक्सेप्शन देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, चाहे वो पीछे वाले रेवेन्यू और रिव्यूज़ वाले कैटेगरीज के ऊपर ये प्रोडक्ट पास हो गई थी लेकिन प्राइस की रेंज जो है उसकी 11.99 से 39.99 होनी चाहिए। तो ये रेंज देखें, अगर टॉप 10 में सेलर जो हैं वो इससे ज़्यादा रेंज में बेच रहे हैं तो इसके लिए हमें इनिशियल जो बजट होगा वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। जब भी हम प्रोडक्ट ये देखें, कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2000। अब जो बार बार हम एक चीज़ देख रहे थे कि कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगर आ जाएँ ये देखें 719 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अगर और कोई कोई प्रोडक्ट मुझे बता दें, आप मुझे कोई और प्रोडक्ट बता दें। किचन पेपर होल्डर, किचन पेपर होल्डर, एक एक कीवर्ड है। देखें इसको 7000 लोग जो है वो बेच, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ही जो है वो प्रोडक्ट हम कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह ये कि 7000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है हमने कह दिया है कि नो मोर देन 2000 कंपीटिंग। अब ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कंपटीशन को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 2000 जितनी लेस उस कीवर्ड के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी उतना ईजिली हम पहले पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। अगर 7000 प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी तो वहाँ पर हमें उनको कम्पीट करना या पहले पेज के ऊपर रैंक करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम जब भी कोई न्यू लॉन्च करें या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसमें जो कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लेस से लेस हों ताकि हम जल्दी उसके ऊपर रैंक कर सकें। अदरवाइज जाहिर सी बात, आप जब न्यू लॉन्च करेंगे तो आप को अमेजोन पता नहीं कौन से पेज के ऊपर जो है, अगर उसके 100 पेज हैं तो शायद आपको 100 या 90 पेज के ऊपर जाकर वो आपको
वहां पे ड्रॉप करे, तो उस केस में आपको फिर रैंक करवाने के लिए इधर इस बात है वो स्पॉन्सर्ड एड एडवर्टाइजमेंट वो सारी चीजें करनी पड़ती है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर रैंक कर सकते। स्टार्ट में हम ये कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो लेस हों, वो 2000 होने चाहिए। ये मिस साहब आपका क्वेश्चन जी, अच्छा स्पून हो सकता है, प्लेट्स भी हो सकता है, ग्लास नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ग्लास जो है वो ब्रेकेबल है, तो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाएंगे। प्लेट्स भी मोस्टली ब्रेकेबल होती है, तो प्लेट्स में भी हम कोशिश करते हैं कि ना ही जाए। सर पीलर, पीलर एक हो सकता है बिल्कुल। चलिए पहले हम ये थोड़ा सा अपना सारा क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर मैं डिफरेंट कीवर्ड्स को देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं और किन टेक्निक्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँ। अच्छा यहाँ पर आ जाएं, ये मैंने किचन पेपर होल्डर पहले क्राइटेरिया पर फेल हो गए, जहाँ पर प्रोडक्ट फेल हो जाएगी वहाँ पर ही आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना और नेक्स्ट प्रोडक्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर देखें, पहले ही मुझे यहाँ पर 70 से अंदाज़ा हो गया कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो खतरे की घंटियां बज गई हैं कि ये 70 मुझे रिजल्ट शो करवा रहा है। 7 सेलर तो ठीक है, लेकिन ये 0 रिव्यूज है, इसका मतलब इसमें इस प्रोडक्ट में वैसे भी कंपटीशन ज्यादा है। एक तो मैं कंपीटिंग प्रोडक्ट से अंदाजा हो गया, एक वैसे भी अंदाजा हो गया कि इसमें अंदर जो है वो जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू माई डिजायर जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा इसमें सबसे पहले मैं फिल्टर लगा के स्पॉन्सर्स को हाइड कर लूंगा, अप्लाई फिल्टर लगाया। देन अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि देखें इसके रिव्यूज़ को मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। देखें ये रिव्यूज़ हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा, ये देखें भी 400 से ज़्यादा वाला ही है, ये 411 है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि 400 से लेस रिव्यूज़ है, तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट जो फेल हो जाती है, इसका मतलब इसमें कंपटीशन ज़्यादा है इस प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पर अगर आ जाएँ तो रेवन्यू में ठीक है, 7 लोग जो हैं वो 5-7 हज़ार से ज़्यादा कमा रहे हैं, ये भी ज़्यादा कमा रहा है, ये भी ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन स्टार्ट में ही हमने देख लिया कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कंपटीशन। लेकिन अगर प्राइस रेंज में देखें तो तकरीबन यहाँ पर देखें 10.93, 20.93, 25, तकरीबन सारे 11.99 से लेके 39.99 की रेंज के अंदर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये ठीक है रेंज वाइज, जो प्राइस वाइज है ये प्रोडक्ट यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर इससे अगला हम एक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो हमारा था, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। आपको कैसे पता लगेगा सीजनल कैसे है, मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ और इसकी सीजनैलिटी को चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं अभी आपको एक एक करके सारे बताता हूँ। मैं यहाँ पर गूगल पर आया और या यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स लिख देता हूँ ऊपर, ये देखें गूगल ट्रेंड्स आ गया। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड जो है वो पेस्ट कर देंगे, इस कीवर्ड को आप चेक करने आए। अब ये मुझे देखें रिजल्ट ठीक नहीं दिखा रहा, उसकी वजह क्या है कि मैंने ये पाकिस्तान की मार्केट प्लेस को चूज़ किया और यहाँ पर देखें फोल्डर भी लगा दिया फोर उसके साथ। यहाँ पर आ जाए, अब मैंने यहाँ से अपनी यूएस की मार्केट प्लेस को चूज़ करना है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट लिख लिया और मैंने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इस रिजल्ट को देखा। यहाँ पर देखें ये मुझे ट्रेंड दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है ये टोटल 100 तक होता है, इसको यहाँ पर आने एवरेज 100 कंसीडर कर लें। हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है वो 25 से अबव उस कीवर्ड का ये ग्राफ तो होना चाहिए और एट लीस्ट लास्ट 3 ईयर्स के अंदर वो जो है वो 25 से अबव भी रहा हो। यहाँ पर देखें ये थोड़ा बहुत जो है वो 25 से नीचे आ रहा है, तो हल्का फुल्का इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड है। अगर ये 25 के ऊपर इस तरह से ग्लिचेस खा रहा हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें ये ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ 2019 से ऑनवर्ड देखूँ, ठीक है, तो चले जुलाई 2019 से तकरीबन ये एक्सेप्टेबल है अगर ये बाकी क्राइटेरिया पर पूरा उतरता और इस तरह से ये 25 के ऊपर ग्लिचेस आ रही होती इसको, तो वो ठीक था। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो सीजनल किस तरह से होती है, ये ट्रेंडी का क्या मतलब है। हमने यहाँ पर अपना लिख लिया कि प्रोडक्ट शुड नॉट शो एनी सीजनैलिटी, एनी काइंड ऑफ सीजनैलिटी या ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होगा कि मैं फर्ज करें एक, एक, एक वर्ड लिखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैंड सैनिटाइजर।
अब यहाँ पर देखें, इससे पहले ये पूरी प्रोडक्ट पिछले 5 साल के अंदर, यहाँ पर ये देखे पूरा 5 साल है, पहले पूरी डेड प्रोडक्ट रही है, देखे 25 को नहीं इसने टच किया, एकदम से जैसे कोरोना आया तो इसकी देखे पीक 100 को टच की है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एकदम सीजनैलिटी, अब जैसे ही ये कोरोना की लहर जो है ख़त्म हुई है, कोविड ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर देखें ये जो है वो फिर जीरो पर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योरली ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अब मैं इसके, अगर मुझे कंपेयर करवाना है, मैं इसके साथ जो है फेस मास्क लिख लेता हूँ, ये चेक करें फेस मास्क, और इसका भी ट्रेंड ऐसे ही रहा है, पहले डेड रही है, जैसे ही कोरोना आया है तो इसके साथ ये जो रेड वाला है वो फेस मास्क है, यहाँ पर देखिए इसका भी ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है। अगर मैं इसके साथ एक चले एक और कंपैरिजन करवा देता हूँ, इंटर कैप्स का कर लेता हूँ, अब ये देखें ये विंटर कैप्स का एक रिजल्ट मुझे शो हो रहा है लास्ट 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखें ये प्रोडक्ट कुछ अरसे के लिए ऊपर जाती है 25 से अबव, देन ये देखें जीरो को टच करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीजनल प्रोडक्ट है, जो ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा होगा वो जो होगा वो सीजनल होगा। यहाँ पर देखें ये जैसे ही सीजन आता है इसका पीक आर्स आते हैं, ये पीक टाइम आता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, ये सबसे ज़्यादा बिकती है। देन ये देखें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो इसके अंदर इसकी कोई सेल नहीं है यहाँ पर। जैसे लेकिन अगस्त सितंबर आना शुरू होता है तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बिकती है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो है ना सेल हो रही होती है। तो ये जो चीज़ होगी ये जब इस केस के अंदर क्या है कि ये सीजनल होगी, ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे। फर्ज करें आपके कोई, मैं कहता हूँ किचन मैट है, किचन मैट जो है वो एक सीजनल प्रोडक्ट नहीं होगी, मोस्टली मुझे कन्फर्म है, ये देखें ये सीजनल नहीं है। अब देखिए इसका लास्ट 3 मंथ से 3 ईयर से तकरीबन इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, देखिए 25 से अबव ही रहा है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 25 से अबव रहा है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसी तरह से मैं फर्ज करें और कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ किचन नाइफ ले लेता हूँ, ये देखें ये प्रोडक्ट भी 25 के अबव राइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी नहीं है, ये ट्रेंड को नहीं शो कर रही, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो 25 से अबव होना चाहिए, तो तब ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होगी। अगर ये ट्रेंड जो है ये 25 से डाउन होगा उस प्रोडक्ट का, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी होगी, उस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया जो इसको चेक करने का तरीका था। दूसरा हम सीजनैलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, वो इसके सर्च वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव कर रही है। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किचन नाइफ, मैं एक किचन नाइफ लिख लेता हूँ, और इसके ऊपर देखें एक यहाँ पे तो ये फेल हो गई, ये 10,000 लोग जो हैं इसको लिस्ट किए बैठे हैं। यहाँ पर आया मैं, आई होप सो कि सारों को समझ आ रही होगी जो मैं ये बता रहा हूँ सारी चीजें। जी सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी देखें पहला तो क्राइटेरिया कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स पे ही फेल हो गया था, लेकिन चले मैं आगे इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे 9 और 2 आ रहे हैं, तो मैं पहले अपना फिल्टर लगा के पहले स्पॉन्सर्ड को हाइड कर लूँगा, कहूँगा जी ये स्पॉन्सर्ड वाले जो है वो हाइड हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद 9 और 2 मीन्स पहले क्राइटेरिया पर ये प्रोडक्ट फेल हो रही है, मैं मैनुअली भी चेक कर लेता हूँ कि कौन कितने सेलर जो हैं, रिव्यू काउंट पे 400 से लेस है, ये एक बंदा मुझे मिल रहा है 163 के साथ, और 2 कम अज़ कम हमने कहा था 3 होने चाहिए, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा, 3 तो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, रेवेन्यू वाइज ठीक है, सारे रेवेन्यू अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अगर प्राइस रेंज वाइज देखें तो प्राइस रेंज भी ठीक है मुझे नज़र आ रही,
तकरीबन 39.99 की रेंज में ही सारे बेच रहे हैं। अब ये एक प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 1200 पाउंड की, इसका मतलब वो जो है वो 15 पीसेस बेच रहे हैं, वो इकट्ठे बेच रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सारे इसी रेंज के अंदर जो है वो सिंगल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पर पूरी हो सकती है। अब एक जो चीज़ है, अब इसी का हमने ट्रेंड भी देख लिया, अब एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, ये देखें ये सर्च वॉल्यूम होता है ऊपर टॉप के ऊपर, यहाँ पर भी दिखा रहा होता है, और अगर मैं इसी कीवर्ड को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ और मैग्नेट में देखूँ तो मैग्नेट में भी ये मुझे एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम दिखाएगा, ठीक है। सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी, मैं अगर पीछे नाइफ लिखता हूँ वही सेम कीवर्ड, रन न्यू सर्च करता हूँ मैं, यहाँ पर देखें ये भी सर्च वाली है, मुझे वही सेम रिजल्ट जो है वो यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो हम वहाँ पर ही आ जाते हैं। यहाँ से भी मुझे सीजनैलिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। ये देखें ऊपर टाइम पीरियड लिखा हुआ है 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर ऑल टाइम, और ये इसका सर्च वॉल्यूम 30 डेज में देखें 40,000 से अबव भी इसका सर्च वॉल्यूम रहा है, ये नीचे टाइम पीरियड चल रहा है, ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है, ये जो नंबरिंग है सर्च वॉल्यूम की। मैं 90 डेज में देखना चाह रहा हूँ तो 90 डेज में इसकी देख सकता हूँ कि ये देखें तकरीबन 30,000 से अबव भी रहा है, तो सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सर्च वॉल्यूम जो है तकरीबन 25,000 से कभी नीचे आया ही नहीं है। अगर मैं ऑल टाइम भी देखना चाहूँ तो ये देखें 25,000 से हमेशा इसका अबव भी सर्च वॉल्यूम रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये सर्च वॉल्यूम मतलब ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, किचन नाइफ जो है वो सीजनल नहीं है, यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लेकिन 25 से अब ही राइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो सीजनलिटी नहीं। तो इस तरह की प्रोडक्ट हम देखेंगे जो प्रोडक्ट सीजनल ना हो, बाकी भी सारे क्राइटेरिया प्रोडक्ट उतर ही हो और वो एवर ग्रीन प्रोडक्ट हो। तो इसके लिए हमारे लिए हमारे पास एक और टूल भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जिस तरह से हमने ये देखा था कि ये जो प्रोडक्ट थी, जिस तरह से जब हम ये टूल्स का जिक्र कर रहे थे तो इसमें हमने ई ग्रो का किया था, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट जो है वो मर्चेंट वर्ड के नाम से भी एक एक टूल होता है, वो भी आपको कीवर्ड की डेप्थ और एवरग्रीन प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो वो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो मोस्टली हम यहाँ से क्योंकि सारी चीज़ें देख लेते हैं जिंगल स्काउट और ईडियम 10 से ही, तो वो वैसे, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मर्चेंट वर्ड भी एक टूल है जिसकी मदद से आप जो है प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और उससे कीवर्ड की डेप्थ या एवरग्रीन प्रोडक्ट है या सीजनल है वो भी नज़र आ रहा होता है। ये वायरल लॉन्च भी आपको इस तरह का आइडिया देता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसी है, वो टिपिकल है या सीजनल है, टिपिकल मींस एवरग्रीन है या सीजनल है, तो सीजनल मींस के वो प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है, और यहाँ से हम मैनुअली अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इनके सर्च वॉल्यूम और उनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। इस तरह से अभी मैंने हीलियम 10 से अंदाज़ा लगा लिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसमें बाकी अगर ये क्राइटेरिया पर पूरी उतरती तो। एक मिनट बैठ,
अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी कि यहाँ से भी हम रोज सर्च वॉल्यूम का अंदाजा लगा सकते हैं या जो प्रोडक्ट है वो सीजनल है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट हम उस पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाएं, ये सीजनैलिटी और गूगल ट्रेंड्स हो गया। सर्च फ्रिक्वेंसी शेल बी अबव 25 इन गूगल फॉर पास्ट 3 ईयर। यहाँ पर देखें, ये ब्रांड ब्रांड की डोमिनेशन होनी चाहिए। ये क्या है कि ब्रांड नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो स्टार्ट में ये देखें, ये जो ब्रांड है, अब इसमें कोई ऐसा ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट ना हो जो सेम ब्रांड हो। फर्ज करें ये देखें एक, और ये डिफरेंट ब्रांड्स हों, जिस तरह से ये एक ब्रांड है मार्को और ये देखें 2 दफ़ा आ गया है। तो अब ये वाला ब्रांड जो है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा टॉप 10 के अंदर रिपीट ना हुआ हो, और कोई 2 ब्रांड्स अगर 3 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बस ये हम कोशिश करें कि ये सारे जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेच रहे हो। अब चलें ठीक है कि मार्को जो है एक ब्रांड एक दफा आ गया यहाँ पर, चले इसको 1 2 और मेरे ख्याल से कोई सारे डिफरेंट ही ब्रांड हैं जो टॉप 10 के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी कोई ऐसा ब्रांड नजर नहीं आ रहा मुझे जो कि सिमिलर हो। यहाँ पर देख रहे हैं और कोई ब्रांड ऐसा नजर नहीं आ रहा जो टॉप 10 के अंदर सिमिलरिटी रखता हो, तो ये 2 ही, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ये 3 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आ गया कि देख लें, अमेजोन एज अ सेलर नो मोर देन 3 टाइम्स इन टॉप 3, टॉप 10 में 3 दफ़ा से ज्यादा जो है वो अमेजोन ना बैठा हुआ। अब यहाँ पर आ जाए, टॉप 10 में 3 टाइम्स से ज्यादा अमेजोन ना बैठा हुआ, उसको हम देखते हैं। ये देख, ये FBA कर रहा है, FBA कर रहा है, वेरी गुड। ये अभी ये अमेजोन है, ये 1 2 3 दफ़ा ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके है, बस 2 दफ़ा ही बैठा हुआ है टॉप 10 के अंदर, तो हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं इसको। ब्रांड 3 दफ़ा से ज्यादा रिपीट ना हो और अमेजोन जो है वो 3 दफ़ा से ज्यादा, अगर ये जितने कम से कम होंगे, ये ब्रांड के ब्रांड अगर कम से कम है और इसी तरह से ये जो अमेजोन है वो कम से कम बैठा हुआ है, तो वो हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है। ये भी कंपटीशन को डिफाइन कर रहा होता है। अब देख लिया आपने, एक रिव्यूज भी कंपटीशन को डिफाइन कर रहे हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कंपटीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ब्रांड अगर एक दफ़ा, एक ही ब्रांड जो है उसकी 3 प्रोडक्ट्स 3 दफ़ा टॉप 10 के अंदर लिस्ट हुई हुई है सेम कैटेगरी के अंदर सेम पेज के ऊपर, तो वो भी कंपटीशन है। और अगर अमेजोन उसमें आ गया तो वो भी कंपटीशन है। उसकी वजह क्या है कि आप अमेजोन को कम्पीट नहीं कर सकते। अमेजोन बहुत सी चीज़ों में जो है वो एज ले जाता है, तो हमने हमेशा कोशिश करनी होती है कि जो हमारे जैसा सेलर जो FBA करने जा रहा है, तो वो वाला सेलर जो है ना वो ज्यादातर वहां पर बेचे रहे हो, वहां पर बैठे हुए हो, ऐसी प्रोडक्ट को हम चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि सर्च वॉल्यूम, ये मिनिमम जो है वो 10,000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं जी मिनिमम इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ये देखिए 50,000 है, वेरी गुड है इसका। लेकिन और इसके अलावा एक और चीज देख लें, जो एवरेज है या फिर जो 1 ईयर पे एटलीस्ट वो जो हो ना उसका सर्च वॉल्यूम, वो भी उसका हाफ हो, एटलीस्ट 5,000 या 6,000 से नीचे उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ना गया हो, एटलीस्ट 5,000 से नीचे उसका सर्च वॉल्यूम ना गया हो जो पूरे साल के अंदर। ठीक है, उससे ज्यादा हो तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो 5,000 से नीचे ना गया हुआ उसका सर्च वॉल्यूम। देखिए इसका तो ऑल टाइम जो है 50,000 से कभी नीचे आया ही नहीं है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ये सर्च वॉल्यूम वाइज बहुत अच्छी प्रोडक्ट। अच्छा वेट नो ओवर साइज, अब वेट जो है 1.5 kg या 3.3 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट का वेट। अगर मैं इस प्रोडक्ट का वेट देख लूँ, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपको ये जो FBA फीसेज है वो बेयर करनी पड़ती है, ये वाली फीसेज वो देनी पड़ती है, उसकी बेस की वजह से हम कहते हैं कि अमेजोन जो है वो 3 टाइम से ज्यादा ना बैठा हुआ हो। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि FBA फीसेज ये जो वेट है वो इतने पाउंड हो,
ये प्रोडक्ट रेटिंग जो है उसकी 4.2 से ज्यादा हो टॉप 10 सेलर, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप उसकी प्राइस अगर ज्यादा कम करके बेच सकते हैं, पर करें आप जिस आपका जो कंपेटिटर है वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, अब वो 10 की बेच रहा है, आप क्या उस प्रोडक्ट को 8 पे बेच सकते हैं? या उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन, फर्स्ट करें आप माउस बेच रहे हैं तो माउस के साथ कोई माउस पैड ऐड करके देख सकते हैं उसको, या एक वो एक का पैक बेच रहा है आप दो के पैक में करके उस प्रोडक्ट को थोड़ी सी उसकी प्राइस में जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जो प्राइस है वो मेन फैक्टर होगा आपको आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवाने में या आपकी प्रोडक्ट में एक वैल्यू की एडिशन करवाने में। तो आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन की बात करनी है या उसमें वैल्यू एडिट करनी है, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आपने अपने कंपेटिटर से अच्छी देनी है। फर्ज करें एक 20 की प्रोडक्ट बेच बिक रही है, आप 18 या 17 या 15 में बेच सकते हैं उस प्रोडक्ट को, अगर बेच सकते हैं इसका मतलब आपकी वही सेम प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो, तो में कम अज कम आपने प्राइस की सूरत में लाजमी करनी होती है। अगर कोई और आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कोई उसके साथ कोई एक्स्ट्रा छोटी मोटी चीज़ एक $2 की आप अटैच करके दे सकते हैं तो वो भी आप एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई प्रोडक्ट आती है कोई अच्छी, तो उसके साथ कोई कीचेन या कोई वाटर बॉटल या कोई इस तरह की चीज़ अगर आप कोई दे देता है तो वो उसकी वैल्यू एडिशन होती है। उसके साथ कोई की रिंग दे देता है, कोई पर्स वगैरह भिजवा देता है, कुछ भी भिजवा देता है इस तरह की। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम प्राइस की जो एडिशन है वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब अगर 10 का वो बेच रहा है तो आपके पास जो है वो अगर आप 9 की बेच सकते हैं या 8 की बेच सकते हैं तो वो बहुत अच्छा, ये वैल्यू एडिशन है। तो यहाँ पर देख लिया हमने कि हमने अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, पहला हमारा क्राइटेरिया था हमने रिव्यूज को देखना है, 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, 500 से लेस होने चाहिए, रेवेन्यू जो है वो 5 सेलर का टॉप 10 में वो 2000 से लेस होना चाहिए, एवरेज प्राइस ये होनी चाहिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2000 होनी चाहिए, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, गूगल ट्रेंड एटलीस्ट 25 से अबव होना चाहिए पास्ट 3 ईयर्स में, ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए टॉप 10 में, एक ही कोई ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा टॉप 10 में रिपीट ना हुआ, अमेज़ॉन जो है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा ना बैठा हुआ टॉप 10 के अंदर, सर्च वॉल्यूम उसका 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए और उसी प्रोडक्ट का वेट जो है वो तकरीबन जो टॉप 10 के सारे सेलर्स हैं उनमें से या जो आप प्रोडक्ट मैनुफेक्चर करवाने जा रहे हैं वो 3.3 पाउंड से ज़्यादा ना हो। इस वेट की मैं कंडीशन बताऊँगा कि ये वेट क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये कहाँ से पता लगेगा, ये देखें, ये देखें ये वेट आपको नजर आ रहा है, तो आप अगर देखें तो सारे ही तकरीबन जो है वो 3.3 पाउंड से कम ही बेच रहे हैं। ये एक जो है वो 15 का पैक बेच रहा है वो आई थिंक सो जो है वो उसका वेट ज्यादा है, बाकी सबका जो है वो वेट कम है, एक या दो को हम एक्सेप्शन देंगे लेकिन इससे ज्यादा की एक्सेप्शन नहीं होगी हमारे पास। अच्छा उसके बाद आ जाए रेटिंग, अब टॉप 10 के सारे सेलर्स की जो रेटिंग है वो कम अज कम 4.2 से अब ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर रेटिंग के कॉलम में आ जाए ये देखें ये 4.6 4.5 4.7 4.4 रेटिंग वाइज सारे ही तकरीबन ठीक है। ठीक है ये जो चीज़ होगी वो आपके रेटिंग के रिप्रेजेंट कर रही होगी और प्राइस रेंज, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट को एनालाइज करने का तरीका होगा। अब मुझे कोई प्रोडक्ट बताएं, आप लोग कोई प्रोडक्ट मुझे बताएं, मैं उनको जाके जल्दी जल्दी सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या ठीक है या नहीं। अब आप लोग क्राइटेरिया पर हम अपनी प्रोडक्ट को आप लोगों की प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया पर जरा जज करते हैं जो आप लोगों ने मुझे बताया। क्लीनर सर, पेपर टॉवल, एक एक बताएं, पेपर सर, किचन टॉवल, किचन टॉवल। अभी मैं 10-12 एक प्रोडक्ट ऐसे निकालता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि जी आप टेक्निक्स क्या है। साथ साथ अपने आपको क्वेश्चन करके ना म्यूट कर दीजिएगा ताकि बीच में ना ज्यादा नॉइस ना है। अब ये देखें पहले ही देखें ये 20,000 इसका रिजल्ट है। अब मैं इसके ऊपर अगर अपनी एक्सटेंशन रन भी कर लेता हूँ तो मुझे पता लग गया कि इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। यहाँ पर आ जाए हेलो
देखें ये यहाँ पे रिव्यूज भी मुझे नजर आ गए हैं। पहला सबसे पहले मैंने अपने हाइट फिल्टर करने, वो फिल्टर्स मैंने हाइड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें जीरो आ रहा है, इसका मतलब मुझे पहले अंदाजा हो गया कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि लिस्टिंग भी इसकी ज्यादा हुई थी। ये देखें यहाँ पे रिव्यूज में, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, कोई और प्रोडक्ट देखें और बताएं कोई प्रोडक्ट। टंग क्लीनर, जबान साफ करना। अच्छा जी, टंग क्लीनर। टंग क्लीनर जो है वो आप देखें 1000 लिस्टिंग है, वेरी गुड है। हमने 2000 लिस्टिंग की बात की थी, पहले तो हमारा चले क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। अच्छा सेकंड पे आ जाते हैं जी, हम पहले देखते हैं सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या था। उसके रिव्यूज जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें, पहले सबसे पहले आप जो है वो मैनुअली पेशक रिमूव कर लें, इनको रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा इसमें आपने एक चीज़ करनी है, जब भी आपने अपना क्राइटेरिया लगाना है सबसे पहले आपने ये स्पॉन्सर रिमूव कर लेने हैं। अगर इसमें कोई इररेलीवेंट लिस्टिंग है, आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है ही नहीं और वो टॉप 10 के अंदर आ गई है, तो उसको भी रिमूव कर लेना है। अगर एक लिस्टिंग आपको एग्जैक्टली डुप्लीकेट नज़र आ रही है, उसके नीचे एग्जैक्ट बिल्कुल सारे फिगर्स वही नज़र आ रहे हैं, उसको भी रिमूव करके देन आपने टॉप 10 के अंदर अपना क्राइटेरिया देखना है। ये 9-1 जो आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये अब मैं तो यहाँ पर स्टार्ट में देख रहा हूँ लेकिन मैंने ये अपनी एडजस्टमेंट की हुई है, आप इसको ना देखिएगा इस तरह से क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर सेटिंग्स में जाके अपना क्राइटेरिया सेट नहीं किया होगा तो वो फिर गलती करेंगे। अगर तो आप लोगों ने ये सेटिंग्स में कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो ये यहाँ पर आपकी गलती होगी 9 और 1 में। अदरवाइज आप जो है वो मैनुअली आपने यहाँ से जाके चेक करना है। पहले सबसे पहले रिव्यूज देखने हैं, रिव्यूज जो है वो 400 से लेस होने चाहिए। कितने सेलर्स के? 3 सेलर्स के। यहाँ पर मैं जाके चेक कर लेता हूँ, ये देखें ये सेलर्स जो है, एक सेलर मुझे मिला है यहाँ पे 13वें नंबर पे जो कि रिव्यूज वाइज जिसके ज्यादा है, बाकी कोई सेलर ऐसा नहीं है, बाकी देखें कोई और सेलर, तो इसलिए हमारी प्रोडक्ट जो है क्राइटेरिया पर पूरी नहीं। 2-3 और बताने, उसके बाद मैं 1-2 टेक्निक्स बताता हूँ और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। योगा मैट, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को सारी टेक्निक्स भी बतानी है कि जिस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, और कल ही मैं आपको बताऊंगा कि FPA की जो फीसिस हैं वो क्यों जरूरी हैं। और एक और मुझे आप लोगों ने याद करवाना है कि कल मैंने आप लोगों को चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस भी क्रिएट करके देनी है, और अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को UK के अंदर जो है वो कंपनी भी फॉर्मेशन करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें योगा मैट कर लेते हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं, देखें 3000 लिस्टिंग्स हैं, पहला क्राइटेरिया फेल कर रही है, कोई मसला नहीं, चले हम फिर भी इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, लेकिन फेल हो गई तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है। क्या आप सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं ना जो मैं समझा रहा हूँ अभी? जी समझ आ रही है, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिनमें कंपटीशन ज़्यादा ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो कंपटीशन ना हो, और ये मैं आपको बता दूं ये इतनी आसान नहीं है ये स्किल, जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। ये विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट के अंदर आप जो है ये प्रोडक्ट हंटिंग आपको आ गई है इसके साथ।
अक्सर औकात आपको पूरा पूरा दिन लग जाता है और आपको एक प्रोडक्ट भी नहीं मिलती, ऐसा भी हो जाता है, दो दो दिन तीन तीन दिन भी लग जाता है, इवन हफ्ता भी लग जाता है कि आपके क्राइटेरिया पर कोई प्रोडक्ट नहीं उतर रही होती। तो आपने इसके ऊपर जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो वो जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब ये देखें योगा मैट है, यहाँ पर भी मुझे रिव्यूज जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, रिव्यूज यहाँ पर देखें, ये रिव्यूज एक बंदा जो है वो 300 से 400 से लेस कर रहा है, ये दो हो गए 400 से, बाकी सारों के रिव्यूज बहुत ज्यादा आई है, तो इसका मतलब इसमें कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा रेवेन्यू वाइज तो ठीक है, 8 सेलर्स मुझे मिल रहे हैं तकरीबन मैं, लेकिन क्रॉस वेरीफाई भी कर लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेलर हैं जो कि ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिव्यू वाइज जो है ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इस प्रोडक्ट में ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, कोई एक लास्ट प्रोडक्ट बता दे फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये सारी हम ऐसे तो आप कहेंगे कि सर ये तो सारी प्रोडक्ट से रिजेक्ट होती जा रही है, हमारे पास कोई टेक्निक्स भी नहीं है जिससे हम कोई फाइंड आउट करें, ये क्या बात हुई आप? डंबल्स या डंबल्स सेट कर देते हैं, देखिए 6000 आ रही है, इसका मतलब कंपटीशन ज्यादा है इस प्रोडक्ट में। यहाँ पर आ जाते हैं फिर भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, किचन स्कोप होल्डर, किचन स्कोप होल्डर ठीक है, इसको मैं देखता हूँ किचन स्कोप होल्डर को, सॉल्ट ग्रेन्स ठीक है। अच्छा मुझे एक मिनट दीजिएगा सिर्फ, एक मिनट दीजिएगा मैं
अच्छा जी, ये हमने केवल जो प्रोडक्ट थी ये डंबल सेट को निकाला और यहाँ पर इसको क्रेडिट, ये देखिए 6000 लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया वाइज कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा है इसके अंदर। यहाँ पर देखें 60 है, सर्च वॉल्यूम भी कम है तकरीबन इस प्रोडक्ट का 10,000 से कम है करंट में जो है। और यहाँ पर देखें ये दो और, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो नहीं हम सिलेक्ट करें। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम जो है वो एक एक अपनी मर्जी से कीवर्ड उठा रहे हैं और जो है वो उसके ऊपर देख रहे हैं कि ये क्राइटेरिया पर उतर रही है कि नहीं उतर रही। तो कोई ऐसी टेक्निक्स भी होंगी जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जैक्ट भी निकल सकती हैं या कुछ ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल जी, मैं अभी वो वाला तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। ये हीलियम 10 के वेब के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर आपके पास एक टूल आता है जिसको कहते हैं ये जो है ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप के पास ये एक आएगा कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या कीवर्ड फाइंड आउट करना चाहे। हमेशा याद रखें जब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो उसमें से हमने एक कीवर्ड फाइंड आउट करके उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप जब पीएल कर रहे होते हैं तो अपने हमेशा उस पीएल के ऊपर अपना क्राइटेरिया के पीएल किसी कीवर्ड के ऊपर अपना क्राइटेरिया, जैसे आपने रोलिंग पिन बताया या डिफरेंट मुझे कीवर्ड आप तक बताएं, वो हम कीवर्ड टाइप करते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते थे कि टॉप 10 के वही सेलर जो उस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर हम लगा के फिर देखते थे। अब हम इसके ऊपर देखते हैं, हम देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया में। मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना वो होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट दिखा दें और यहाँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। मैं देखे दो कैटेगरी, जितनी मर्जी मैं कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ पे देखे मैंने दो दो कैटेगरी सिलेक्ट की तो मुझे इन दो कैटेगरीज के अंदर को प्रोडक्ट दिखाएं जो मंथली रेवेन्यू कम से कम 7,000 रखती हो। प्राइस रेंज हमने पहले बता दी थी 11.99 से लेके 39.99 तक हो।
रिव्यू काउंट हमने कहा जी मैक्सिमम 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्यों कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिव्यू रेटिंग हमने कह दिया हुआ 4.2 से ज्यादा ना हो। अच्छा ये शिपिंग साइज, ये मैं आपको कल वैसे समझाऊंगा कि इसका स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड साइज के क्या मतलब है, लेकिन अभी इसको कंसिडर कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड साइज जो है इसके ऊपर अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, ओवर साइज वालों से जब आप एफ बी ए कर रहे होते हैं इसके ऊपर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता है। तो ये कल मैं आपको समझा भी दूंगा कि अमेजोन आपसे क्या चार्ज कर रहा होता है, स्टैंडर्ड साइज के ऊपर किस तरह चार्ज कर रहा होता है। यहाँ पर आ जाए, अब ये देखिए मैंने चार फिल्टर लगा लिए हैं, एक ये, एक मंथली रेवेन्यू प्राइस रेंज वाला, रिव्यू काउंट वाला, वही एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया भी है। यहाँ पे ये देखें, ये रिव्यूज वाला रेवेन्यू वाला मैंने लगा लिया, रिव्यू ये प्राइस रेंज वाला लगा लिया, और कौन सा लगाया है, ये स्टैंडर्ड साइज वाला, ये ओवर साइज नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट, तो स्टैंडर्ड साइज में मैंने लगाया, और ये रेटिंग वाला 4.2 वाला लगा दिया। तो अब वो तमाम प्रोडक्ट्स जो इन दो कैटेगरीज के अंदर इस क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही होंगी वो मुझे दिखाई। ये कुछ एडवांस फिल्टर है, इस एडवांस फिल्टर्स में से भी आप कुछ लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो जो है ना कम अज कम वही सेम प्रोडक्ट जो है 500 से ज्यादा सेल्स कर ही रही हो, मिनिमम तो 500 कर रही हो, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ वेरिएशन जो है, वेरिएशन क्या होता है, जो कलर की साइज की जो वेरिएशन होती है, फर्ज करें एक प्रोडक्ट जो है वो सेम डिफरेंट कलर के अंदर बिक रही है या डिफरेंट साइजेस के अंदर बिक रही है, तो वो वेरिएशन होती है। तो हमेशा याद करें पीएल में हम लेस वेरिएशन के साथ जाते हैं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो लेस वेरिएशन के साथ हो वो जाते हैं। तो मैक्सिमम हम अलाउ करेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाओ जो 3 से लेस वेरिएशन पे हो। ये देखें यहाँ पर वो जो है वो वेट हम मैक्सिमम लगा सकते हैं कि पाउंड के अंदर हमें 3.3 से ज़्यादा की प्रोडक्ट को ना दिखाओ। ये देखें मैंने 5-7 फिल्टर लगा लिए दो कैटेगरीज के अंदर, और मैं सर्च करता हूँ कि क्या मुझे इसके अकॉर्डिंगली कोई रिजल्ट नज़र आते हैं। मैंने जैसे ही निकाला यहाँ पर वो मुझे देखें 200+ प्रोडक्ट्स उसने फाइंड आउट करके दे दी हैं कि 200+ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इस क्राइटेरिया पर जो आपने ऊपर लगाया है वो मीट करती हैं। अब हम आके देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया। ये देखिए एक प्रोडक्ट स्पोर्ट्स है, मैं दो कैटेगरी लगाई थी ना, किचन एंड डाइनिंग की और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी। तो यहाँ पर देखें ये एक प्रोडक्ट उसने मुझे निकाल के दी है जिसको वो कह रहा है कि आपकी एग्जैक्ट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग दी है। यहाँ पर देखें जो आपने प्राइस रेंज मैंशन की है इसकी, ये इसके अकॉर्डिंगली है। अच्छा उसके बाद उसने मंथली सेल्स यहाँ पे दिखा दिए। यहाँ पर देखें मैं इसका हर चीज़ का ग्राफ भी देख सकता हूँ। यहाँ देखें इसकी जो ग्राफ रही है कितनी सेल्स रही हैं ऑल टाइम 1 ईयर में, वो सारी मैं एक एक करके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं इसका, ये मंथली रेवन्यू है इस प्रोडक्ट का, ये इसका एवरेज BSR है। BSR हमने देख लिया था कि इसका इस टाइम करंट BSR क्या चल रहा है, वो मैंने इसका ऑल टाइम अगर BSR देखना हो तो वो भी मैं देख सकता हूँ, 1 ईयर पे देखना हो तो वो भी देख सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट का अब BSR अच्छा हुआ है, मतलब लेस हुआ है। तो अब इससे पहले इस प्रोडक्ट का इतना अच्छा BSR नहीं था। अगर 90 डेज में देखें तो 90 डेज में ऑलमोस्ट इससे पहले ये 1.5 लाख BSR पे थी, अब ये ऐसा ऐसा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है ये प्रोडक्ट। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ईयर में प्रोडक्ट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो सही है, लेकिन हम इन चीज़ों को अभी नहीं देख रहे होंगे। हमने सिर्फ सिंपल ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली किस तरह से परफॉर्म कर रही है। मींस देखें ये वाली प्रोडक्ट थी, इसको 9 सेलर प्राइस रेंज, ये मंथली सेल्स बिल्कुल जो हमने 500 से लगाया था वो, उससे रेवेन्यू हमने कहा था 7000 से बब होना चाहिए, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट बिल्कुल 7000। रिव्यू हमने कहा था 400 से लेस होने चाहिए, उसने मुझे बता दिया 127 रिव्यूज़ हैं, और 4.2 से ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए, उसने कहा जी ये एक प्रोडक्ट है जो ये सारे क्राइटेरिया को आपको फुलफिल कर रही है। अगर मुझे इसको ओपन करके देखना है, चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास इस तरह से नज़र आ जाएगी, और इस ये प्रोडक्ट ये बन। अच्छा सिंपली मैं नीचे एक दो और प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ। फर्ज करेंगे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर लूँ। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, इसमें से हमें अपने जो है ना वो मेन कीवर्ड निकाला है, या जिसको प्राइमरी कीवर्ड या सीड कीवर्ड कहा जाता है, जिसके ऊपर हमने अपना क्राइटेरिया लगाना है। उस प्राइमरी कीवर्ड को एक तो तरीका ये है कि मुझे समझ आ रही है कि इसका जो मेन कीवर्ड हो सकता है वो या केबल लॉक हो सकता है, या मास्टर लॉक हो सकता है, या मास्टर लॉक केबल लॉक हो सकता है। तो मैं एक तो तुक्का लगा लूंगा कि जी इसका जो है ना वो मेन कीवर्ड केबल लॉक हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लगा दिया केबल लॉक। जैसे मैंने केबल लॉक लगाया, अब देखें पहला
मैंने उसमें से कीवर्ड, और मैंने पहले आके देखना है कि क्या सारी इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल जी, केबल लॉक के जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि सारे केबल लॉक ही बेच रहे हैं, डिफरेंट डिजाइन है लेकिन सारे केबल लॉक ही बेच रहे हैं। अच्छा, अब केबल लॉक मैंने लगाया तो ये देखिए 3000 रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कंपटीशन। चले हम इसको 2500 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ना लेके जाइएगा, लेकिन 3000 है, चले हम इसको अभी एक दफा कंसिडर करते हैं केबल लॉक। अब यहाँ पर मैं अपनी एक्सटेंशन को रन कर रहा हूँ। अब एक तो टेक्निक ये है कि आप जो है अपना मेन कीवर्ड तुक्का लगा के करेंगे, और वो हमेशा टाइटल के अंदर मौजूद होता है, उसके ऊपर लगा के चेक कर लेंगे ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। सेकंड, प्राइमरी कीवर्ड या सीड कीवर्ड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखें 2 और 10, मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो कंपटीशन है ज्यादा, रिव्यूज कम है। देखिए रिव्यूज जो है वो ज्यादा है, सॉरी सिर्फ 2 सेलर्स बैठे हैं जो कि इससे ज्यादा कमा रहे हैं। ये अपने स्पॉन्सर्ड को हटा के फिर देखना है, ये एक बैठा हुआ, ये 2 बैठे हुए, 2 ऐसे लोग हैं जो कि बेच रहे हैं, लेकिन हमारा कम अज कम क्राइटेरिया 3 होना चाहिए। और लेकिन 10 सेलर ऐसे हैं जो 7000 से, तकरीबन सारे सेलर ही 7000 से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 2 सेलर इसमें से रिव्यूज वाइज कम है, इसका मतलब इसमें कंपटीशन ज्यादा है इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब आपने इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, अब ये तो हो गया। अब आप क्या, जो आपने ये प्रोडक्ट निकाली है इसका मेन कीवर्ड क्या यही होगा, क्योंकि हमने मेन कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक करवाना होता है। तो आपका एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करें, और जो टॉप 10 या 15 में सारे लोगों ने जो कॉमन कीवर्ड यूज किया हुआ है, फर्ज करें ये देखें मास्टर लॉक इसने भी यूज किया है, इसने भी मास्टर लॉक यूज किया है, इसने भी मास्टर लॉक यूज किया है, इसने भी मास्टर लॉक यूज किया है, इसने मास्टर लॉक यूज किया है, बात समझ आ रही है ना। तो इसका मतलब इसका केबल लॉक नहीं होगा, इसका मास्टर लॉक जो है वो मेन कीवर्ड हो सकता है। ये बाइक लॉक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये क्या है, ये बाइक लॉक लॉक केबल इसने भी यूज किया और मास्टर लॉक भी यूज किया है। देखें मास्टर लॉक और केबल लॉक दोनों यूज हुए हैं, मास्टर लॉक और बाइक लॉक केबल, बाइक केबल लॉक विद माउंट। अच्छा यहाँ पे देखें बाइक लॉक केबल मास्टर लॉक, मास्टर लॉक या केबल लॉक है, यहाँ पर देख रहे हैं केबल लॉक है या मास्टर लॉक जो है वो हो सकता है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो ब्रांड में ये है ही मास्टर लॉक की प्रोडक्ट, ये देखें यहाँ पर ब्रांड की डोमिनेंसी आ गई। जब हम मास्टर लॉक कर रहे हैं ना, जिसका मतलब मास्टर लॉक पे ऊपर किसी ने वैसे ही उसके ऊपर जो है वो ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, और मास्टर लॉक को उन्होंने अपने पास रजिस्टर करवा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें टॉप 10 के अंदर वैसे ही ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई, लेकिन वो मास्टर लॉक के ऊपर जा रहे, क्लियर है ना ये पॉइंट सबको, यहाँ तक क्लियर है। हेलो थक तो नहीं गए जी, क्लियर है। अच्छा आई थिंक सो, मेरे ख्याल से काफी लोगों के जो है ना वो लंबा सेशन हो गया होगा। सर टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर लें, टाइमिंग जो है ना नमाज भी फिर चली जाती है ऐसे। हाँ यार मैं टाइमिंग कोशिश तो पूरी है कि टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करूं, लेकिन इसमें चले ये किया जा सकता है कि मैं 10 मिनट के बीच में ना जैसे नमाज की ब्रेक हो ना उसे 10 मिनट की नमाज की ब्रेक दे दिया करूं। जी थैंक यू सर, ठीक है ना जी, ऐसे कर लेंगे कि कल से जो है ना वो हम, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि कल मैं 1:30 बजे तक क्लास जो है खत्म कर दूंगा, 11 बजे स्टार्ट करूंगा, 1:30 बजे खत्म कर दूंगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। ये बेस्ट है कि पूरे 11 बजे स्टार्ट की और 1:30 बजे तक खत्म हो जाए। हाँ 1:30 बजे खत्म होगी, लेकिन जी, अगर, ना, अगर अगर बीच में फर्ज करे जैसे कुछ सेशन लंबा हो जाए, प्रोडक्ट हंटिंग है थोड़ा सा ये टाइम डिमांडिंग है हल्की फुल्की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा। नहीं सर वो कोई इशू नहीं है, वो उसके लिए आप 10 मिनट के बीच में ब्रेक दे दें, स्टूडेंट जो है वो नमाज पढ़ के वापस आ जाए। चले डन हो गया, डन जी, थैंक यू सर। ठीक हो, आज भी आधे स्टूडेंट चले गए हैं, 21 पार्टिसिपेंट्स रह गए बस। चले कोई बात नहीं, कल से मैं इंशाल्लाह तआला कर दूंगा। जी थैंक यू सर।
अच्छा चले, अभी यहाँ तक ये बात समझ आ गई कि ये एक टेक्निक है जिससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालता जाऊंगा, यहाँ से देखता जाऊंगा जो मेरे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है उस प्रोडक्ट को मैं उठाऊंगा और अपने क्राइटेरिया के साथ मैच कर लूंगा। अगर वो प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे मैच हो रही है तो फिर मैं उसको पास करें। ये देखें, ये एक मैं इसमें प्रोडक्ट उठा देता हूँ, ये मुझे को प्रोडक्ट इसमें सर। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर यानी मतलब ये कि पहले हम अपनी क्राइटेरिया बनाएंगे और फिर उसी के मुताबिक हम वो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या मतलब कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे कि क्या, इसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है सर जरा। जो ये क्राइटेरिया है ना जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर, ये कोई भी कीवर्ड आप उठा ले, कहीं से भी कोई भी कीवर्ड ले, आपके ज़हन में कोई भी कीवर्ड आ जाए, आप कहते हैं कि मैं जो एनर्जी सरसी एक कीवर्ड है वाटर जग कैप्स, ठीक है, मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपना देखना चाह रही हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं बेच सकती हूँ कि नहीं बेच सकती, तो आपने सिंपली इस प्रोडक्ट को यहाँ से पिक करना है और ये जो ऑलरेडी बना हुआ क्राइटेरिया है इसके साथ मैच कर देना है, क्योंकि ये डिमांड एंड कंपटीशन के अकॉर्डिंगली ये क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर जाके इसको वाटर जग कैप्स देखें, अब पहला कंपीटिंग प्रोडक्ट 7,000 है, इसका मतलब यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वो पास नहीं हो रही है। नेक्स्ट में अगर हम चले जाएं तो फिर हमने इसके साथ मैच करना है, ये देख रही है आप, देखना है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, उसकी एवरेज प्राइस क्या है, रेवेन्यू कितने, टॉप 10 में 10 में से कितने लोग सेलर्स कमा रहे हैं, रिव्यूज क्या है उसके टॉप 10 में से, ठीक है, 3 sellers having less than 400 reviews in top 10, और रेवेन्यू क्या है, 5 out of 10 sellers having revenue more than 7,000, सीजनैलिटी है कि नहीं है, गूगल ट्रेंड है कि नहीं है उसका, उसके पास ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, अमेजोन सेलर सेंटर नहीं, उसमें अमेजोन एज सेलर नहीं होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम उसका 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट उतरेगी तो वो हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट होगी, अगर इनमें से किसी क्राइटेरिया पर फेल हो जाएगी किसी भी जगह पे तो वो प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, उसको हमने एक्सेप्ट करें। यानी कि सर मतलब ये है कि ये हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो मतलब इन सारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरनी चाहिए। हाँ, और अगर कहीं एक पर भी नहीं उतरी तो मतलब हम उसको नहीं वो करेंगे ना, उसको फाइनलाइज नहीं करेंगे, उसको फाइनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है सर, कहेंगे कि नहीं, थैंक यू सर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा लेकिन ऐसे ऐसे स्किल्स के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है आपके साथ जो है वो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, और किसी का कोई आज करने से हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कल की क्लास में बड़ी डिटेल में और करवाऊंगा आप लोगों को, तो कल का आपको और वाजे हो जाएगा, लेकिन जो फ्री से अब तक आप काम कर सकते हैं ना ये सारी चीजें और ये जो क्राइटेरिया आप मैच कर सकते हैं वो आज आप जाके बैठ के करें ये वाला, और बल्कि मैं इसके साथ एक्सेल शीट भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, बल कल ही करूंगा एक्सेल शीट पर। जी जी मिस सर, ये जो एक्सटेंशन जैसे हमने ये खोला था एक्सरे वाला तो ये तो आ गया, ये जो आप दूसरा ये जो ब्लैक बॉक्स वगैरह है और मैग्नेट वगैरह का वो जो है वो कैसे खोलना है? ये यहाँ से ब्लैक ये ऊपर वेब में जाएंगे, EGM10 की वेब में, यहाँ टूल्स का ऑप्शन होगा आपके पास, ऊपर टूल्स में ये ब्लैक बॉक्स है और यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ से हम इसमें वो जिस तरह आपने बताया उसी तरह प्रोडक्ट की सारी चीजें देखते रहेंगे, वेट और उसके प्राइस, उसके रिव्यूज और उसके रेवेन्यूज वो सब लगा लगा के इसमें चेक करते रहेंगे हम। ये देखें ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रेवेन्यू मंथली रिव्यूज, ठीक है, रेवेन्यू डालेंगे, प्राइस, रिव्यूज और वो सारी चीजें, और इसके से चाहे एडवांस फिल्टर में एक दो फिल्टर लगा के देख लें, लेकिन आप लोग फ्री पे काम कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स तो 200 आ रहे होंगे, लेकिन वो आप 10-12 प्रोडक्ट्स ही ओपन कर सकेंगे, तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया लगा के ना डिफरेंट तरीके से वहां से 25-30 प्रोडक्ट्स निकाल के देख लीजिएगा, मतलब पहली 8-10 सारी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लीजिएगा, फिर कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करके फिर उसकी 8-10 प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिएगा, इस तरह से करते रहिएगा। समझ में आ गई बात। जी जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बायर्स जो हैं ये कैसे ढूंढने हैं, फिर हम प्रोडक्ट हमने सर्च कर लिए ढूंढ ली। देखिए बायर्स तो आपका यहाँ पर आएगा ना, जब प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी, आपने ये जो सर्च वॉल्यूम है बेसिकली ये बायर्स ही तो है, ये हम जो प्रोडक्ट हम कहते हैं ये 10,000 सर्च वॉल्यूम है वो बायर्स है। हम जब डिफरेंट उस तरह के कीवर्ड्स हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर, एक हमने कीवर्ड डाला ना उसका जिसके ऊपर हमने अपना क्राइटेरिया उतार के हमने कहा ये प्रोडक्ट हमारी फाइनलाइज है। अब सोचे कि इस प्रोडक्ट के अंदर या ये वाली प्रोडक्ट है इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, और हर कीवर्ड का एक अलहदा सर्च वॉल्यूम है। जिस तरह से देखें ये वाटर जग कैप से एक अलहदा कीवर्ड है, यहाँ पर देखें ये सिलिकॉन रिप्लेसमेंट कैप एक अलहदा कीवर्ड है, लेड एंटी स्प्लैश एक अलहदा कीवर्ड है। अब इनका जब आपने ये सारे कीवर्ड्स, एक तो वो कीवर्ड होता है जो आपका मेन कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट फ्री होती है, उसके साथ बाकी सारे सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं उनका भी अच्छा खासा रिजल्ट होता है सर्च वॉल्यूम, वो भी आप अपनी इन लिस्टिंग्स के अंदर डालते हैं और इस तरह से आपका जो पूरी ऑडियंस है वो ज्यादा हो जाती है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी फिर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। फर्ज करें वो आपने जितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालेंगे और हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड डालेंगे उतनी ज्यादा ऑडियंस आपकी तरफ आएगी। ठीक है, सही। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सीजनलिटी, एक तो हम सर्च वॉल्यूम से चेक करते हैं, दूसरा किस तरह चेक करते हैं? दूसरा ये गूगल ट्रेंड से, ये गूगल ट्रेंड से चेक करें। 25 से अब अगर उसका ग्राफ होगा तो वो सीजनल नहीं होगी, अगर ये जीरो पे जाके ऊपर नीचे आ रहा है फिर देन ये जो है ना वो प्रोडक्ट सीजनल होगी या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी। जी और कोई क्वेश्चन? होम एंड किचन पे ज्यादा काम कर सकते हैं और होम एंड डाइनिंग पर, क्योंकि वही सीजनल नहीं होती हैं, वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की होती हैं, तो उस पे करें ज्यादा काम। जी जी, होम एंड किचन एक रिकमेंडेड है एक कैटेगरी, उसके ऊपर तो लाजमी करें। मैं बाकी 3-4 और कैटेगरीज भी आपको बताऊंगा, बल्कि अभी बता भी देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ से आपने जिन जिन कैटेगरीज के ऊपर ज्यादातर पीएल में काम किया जाता है वो ये है, होम एंड किचन है, ये होम एंड किचन के अंदर है। अच्छा ऑफिस प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, पेट सप्लाइज की जो कैटेगरी है या ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरीज अच्छी होती हैं होलसेल के लिए, ठीक है पेट सप्लाइज। लेकिन आप इसको चलें, अगर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं तो ये आप पीएल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी अच्छी है, ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी अच्छी है। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपने काम करना होता है। तो आप होम एंड किचन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, गार्डन से रिलेटेड, DIY टूल से रिलेटेड, ये वो कैटेगरीज हैं जो पेट सप्लाईज या ऑफिस और स्टेशनरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। वहाँ छोटी प्रोडक्ट्स भी होती हैं वो, और वेट भी उनका ज़्यादा नहीं होता, डायमेंशन वाइज भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं प्रोडक्ट्स वो, और ओवरऑल आपके क्राइटेरिया पर भी मोस्टली उतर जाती हैं कुछ ना कुछ, तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, ये हम होलसेल की बात नहीं कर रहे, ये मतलब सिंगल प्रोडक्ट्स, ये प्राइवेट जो हम नई प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर करवा के उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगवा के बेचेंगे, ये वो है जो नई प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, पहले अमेजोन पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। होलसेल में ये होता है कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही होती है, रैंक हुई होती है प्रोडक्ट, हम उसको उठाते हैं और उसके ऊपर अपना उस ब्रांड से परमिशन लेकर हम अपना बेचना शुरू कर देते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, ये अलग है पूरा, उसका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा, वो हमें आप लर्न करवाएंगे? जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा पूरी। मैंने अगले आने वाले हफ्ते में या इस वीक में तो पॉसिबल नहीं, आने वाले हफ्ते में मैंने वही काम करवाना है आपसे। ठीक है, जैसे कि अलीबाबा से प्रोडक्ट ली और अलीबाबा वाली जो प्रोडक्ट है वो ये वाली प्रोडक्ट है, ये जो आपने ये काम करना है होलसेल वाली। अच्छा, प्रोडक्ट वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बहुत सारे नाइकी है या सैमसंग है, सैमसंग के आपके प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर उतर जाती है, तो जो वहाँ पे सप्लायर बैठा है सैमसंग का या डिस्ट्रीब्यूटर का या नाइकी का या XYZ कोई भी ब्रांड है, उससे आपने परमिशन लेकर कहना जी कि मैं आप ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, अगर वो परमिशन दे देता है तो आप उससे प्रोडक्ट उठाएं और बेचना शुरू कर दें, वो होलसेल है। ये वो है कि जो आपके क्राइटेरिया पर एक प्रोडक्ट उतर गई, आप उसको शुरू से नया
मैन्युफैक्चर करवा के अपना टैग लगा कर उसके ऊपर बेचना चाह रहे हैं, वो प्राइवेट लेबल होगा जी। हमें अपना वो ASIN नंबर इशू होगा इस पर, वो हाँ, इसके इसके ऊपर अपना ASIN नंबर फिर वो इशू होगा और इसी के ऊपर हम अपने अलहदा वो UPC बाय करेंगे और वो सारी चीजें जो बार कोड है वो बाय करके फिर लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि होलसेल में ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है अनस्पर इसके, मतलब अगर आपको परमिशन मिल जाए आपको और आप उस पर अपनी जो भी ऐड करें, वो तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। नहीं, इसके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें ये होता है कि आपका रियल टाइम एसेट है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, ये मिनिमम 25% पे प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। वो आप किसी के एसेट पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, उसके प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम हम जो है ना वो 10% से 20% के दरमियान काम कर रहे होते हैं। 10% भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अक्सर वहाँ पे नहीं मिल रहा होता 10-12% पे ही हम उसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने शुरू से लेके एंड तक इस प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, ये एक आपका एक बजट इनिशियल बजट इसमें ज्यादा होता है, उसमें ऑलरेडी एक रैंक्ड प्रोडक्ट होती है जो आपके पास होती है, उसके ऊपर आपने काम करना होता है। तो दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो जाहिर सी बात है वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ये आप वक्त के साथ आप समझ भी आ जाएंगे दोनों के। सही, ठीक, थैंक यू। ठीक है, अगर हो गए सबके क्वेश्चन तो इंशाल्लाह फिर हेलियम 10 में सर ये थोड़ा बता दें, डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है और साइन अप फ्री कर देना है, इसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, उसकी रिकॉर्डिंग देख लें आप जाके, उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल एंड पे हो गई शायद, आई थिंक मैंने बताया था, वो आप अकाउंट क्रिएट कर लें वहां से, उसमें ज्यादा डिटेल में पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, एंड के लास्ट 2 मिनट्स में वो आपने बताया हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो वहां से जाके चेक कर लें। ठीक है, ओके सर, चलें जी, ओके ओके जी, बाकी सब दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।